ये कुछ इस तरह का इसका रैपर है, ठीक है। अच्छा, होपफुली हम ये वाली बुक फॉलो करेंगे, लेकिन हमारे दोस्त ने आज एक और नया रिसोर्स बताया, वो भी मैं ओवरव्यू करूँगा, तो अगर वो ज़्यादा बेहतर हुआ तो हम वो वाला भी फॉलो कर सकते हैं। वेल, ये जो बुक है इसके अंदर इन्होंने स्ट्रैटेजी क्या बताई है, 10 मिनट आपने रीड करना है और उसके बाद 20 मिनट आपने प्रैक्टिस करनी है। ये इस बुक की स्ट्रैटेजी है, जो कि हमने इस क्लास के शुरू में अपने क्लास की भी यही स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम थोड़ा सा जो है ना पढ़ेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे और उससे ज़्यादा हम मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमने शुरू में स्ट्रैटेजी बनाई थी अपनी, तो यहाँ पे भी यही है कि थोड़ा सा पढ़ना है, प्रैक्टिस उससे थोड़ी ज़्यादा करनी है, डबल प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की जब बात आती है तो आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, जाहिर है बिल्कुल अनअवेयर आप में से बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो प्लीज़ कोई भी मुझे ये खड़ा होकर बताए कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, आप क्या समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है, इससे फ़ायदा ही होता है कि जो आप लोगों के जहनों में बात होती है वो निकलती है, नए आइडियाज़ निकल के सामने आता है, ठीक है। अदरवाइज वन वे क्लास जो है वो मुझे भी थोड़ी पसंद नहीं आती। जी दोस्त, जावास्क्रिप्ट से आप क्या समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट असल में है क्या चीज़? जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या है? अच्छा, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी। इन्होंने कहा कि आपका जो घर बना हुआ है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो दीवारें हैं वो आप समझ जाएं HTML है, फिर उस पर जो कलर हुआ हुआ है वो CSS है, और उस घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। अच्छा मिसाल आपने दिया, लेकिन ये तो काफ़ी जनरल बात हो गई, थोड़ा सा यानी टेक्निकल आप क्या समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है? अच्छा, वैसे हम सुनते रहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है फिर? कोई बताना चाहेगा, कोई अपना ओपिनियन शेयर करना चाहेगा प्लीज़? जी दोस्त, हाँ हाँ प्लीज़ बताएं। फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए होता है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा देखें यार, जावास्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब क्या कहते हैं, कंप्यूटर को ना कोई भी बात आपको समझानी होती है अपनी, ठीक है, तो आप कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को आप बोलते हैं कोडिंग, कुछ कोडिंग की ज़ुबान में आपको कंप्यूटर को समझाना पड़ता है। तो कंप्यूटर जो है, किसी भी किस्म का कंप्यूटर, जो वो एक लैपटॉप की सूरत में भी हो सकता है, वो एक डेस्कटॉप की सूरत में भी हो सकता है, वो एक प्रोजेक्टर भी हो सकता है, वो एक आपके हाथ में पहनी हुई घड़ी भी हो सकती है, वो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, वो कोई कोई चार्जर भी हो सकता है, आपके फ़ोन को जो चार्ज करने के लिए आप अडॉप्टर इस्तेमाल करते हैं वो भी एक छोटा सा कंप्यूटर होता है। उसके अंदर भी इतनी समझ होती है कि कौन सा मोबाइल जब मेरे साथ कनेक्ट होगा तो मुझे 12 वोल्ट देना है, कौन सा मोबाइल कनेक्ट होगा तो मुझे 3 वोल्ट 5 वोल्ट देना है, ठीक है, लिखा हुआ होता है। आजकल जो नए अडॉप्टर हैं उस पर आप देखेंगे 3-4 तरह के वोल्टेज आउटपुट दे सकता है, तो वो भी सोचने समझने के काबिल होता है, तो वो भी एक छोटा सा कंप्यूटर है। जो आपके पीछे AC रखा हुआ है ये भी एक फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है, क्योंकि इसके अंदर भी एक सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, इस ये भी इनपुट लेता है आपसे, आप बटन दबाते हैं इनपुट लेता है, समझता है आपकी बात को और फिर आउटपुट भी देता है अकॉर्डिंगली, आपने टेम्परेचर कम किया तो ठंडक ज़्यादा फिर करता है वो। तो कंप्यूटर किसी भी फॉर्म में होता है, वो नेचुरल लैंग्वेज नहीं समझता, जैसे मैं बात कर रहा हूँ उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो उर्दू कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर के लिए ख़ास किस्म की एक ज़ुबान होती है, ख़ास किस्म की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर समझते हैं। अच्छा, वो लैंग्वेज कौन सी है? वो लैंग्वेज है बाइनरी। अच्छा, बाइनरी क्या चीज़ है? तो हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और हम इसकी बेसिक समझते हैं। जो आपको मैं उस एज में लेके चलता हूँ, कंप्यूटर की हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ, असल में आपको कंप्यूटर समझाना चाह रहा हूँ, और जब आपको कंप्यूटर समझ आएगा तो फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझ आएगी, कि उस कंप्यूटर से बात करने के लिए जो,
तो मैं आपको उस एज में लेके जाना चाह रहा हूँ, उस दौर में, कि जब ह्यूमंस ये जानते थे, जब ह्यूमंस ने ये डिस्कवर किया कि मैटर जो है वो दो तरह का होता है, या मटेरियल्स जो होते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दुनिया में, जो भी पत्थर है, मिट्टी है, तो ये दो इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन होती है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। ठीक है, मैं आपको इतना पीछे लेकर गया हूँ, अभी कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं है, अब आकाश के दौर में आएगा शायद हम। तो अच्छा, फिर थोड़ी सी तरक्की और की ह्यूमंस ने, तो वो इस नतीजे पे पहुँचे कि यार एक और भी तरह का मटेरियल होता है। पहले तो हमने देखा था दो है, एक है कंडक्टर, एक है इंसुलेटर। अच्छा, कंडक्टर इंसुलेटर समझ आया? कंडक्टर ऐसी चीज़ को कहते हैं जो करंट को पास कर दे, जैसे कि लोहा वगैरह ये चीज़ें, और इंसुलेटर वो होता है जो प्लास्टिक या रबड़ वगैरह, ये इंसुलेटर होता है जो करंट को पास नहीं करने देता। ठीक है, तो ये पहले तो ये जानते थे कि कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। फिर इस नतीजे पे पहुँचे थोड़ी रिसर्च के बाद कि एक और तरह का भी हमारे पास मटेरियल होता है। अच्छा, वो क्या होता है? वो ऐसा मटेरियल होता है कोई ख़ास किस्म का, जो हमारी मर्जी से जब हम चाहेंगे तो वो कंडक्टर बन जाता है, यानी कि करंट को पास करने लग जाता है, और हमारी ही मर्जी से जब हम चाहेंगे तो वो इंसुलेटर भी बन जाता है। ठीक है, हम थोड़ी देर उसको कंडक्टर और फिर थोड़ी देर बाद हम उसको इंसुलेटर बना सकते हैं। एक ऐसा मटेरियल दरियाफ्त कर लिया। अच्छा, आपको पता है दरियाफ्त में और ईजाद में क्या फ़र्क होता है? ईजाद नहीं किया, दरियाफ्त किया। कौन बताएगा मुझे ईजाद में और दरियाफ्त में क्या फ़र्क होता है? दरियाफ्त वो चीज़ होती है, बिल्कुल सही कहा आपने, जो पहले से मौजूद होती है, हम जस्ट उसको डिस्कवर करते हैं, अनकवर करते हैं, चाहे ज़मीन की गहराइयों से, चाहे समुंदर की गहराइयों से, चाहे आसमानों में से, कहीं से भी उसको जस्ट अनकवर करते हैं, वो पहले से वहाँ मौजूद होता है। तो ये जो मटेरियल था, ये जो नया मटेरियल डिस्कवर हुआ, ये पहले से मौजूद था, ये ईजाद नहीं हुआ, ये जस्ट डिस्कवर हुआ, दरियाफ्त हुआ, मिल गया, कहीं था बस मिल गया किसी को। अच्छा, कौन सा है ये मटेरियल, कौन बताएगा? सेमीकंडक्टर तो ये मटेरियल है, इसका नाम क्या था? सिलिकॉन नाम था इसका। ठीक है, अच्छा, सिलिकॉन बड़ा फैंसी सा नाम लगता है सुनने में। ठीक है, सिलिकॉन देखा है किसी ने असली ज़िंदगी में, रियल लाइफ में सिलिकॉन कैसा होता है देखा है? जो रेत होती है ना, जब आपके घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, रेत में कुछ कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है शीरे को पिघलाया हुआ है, थोड़े ट्रांसपेरेंट किस्म की रेत कुछ होती है, वो सलीका होती है, उस रेत को हम क्या कहते हैं? सलीका। और उसी में से सिलिकॉन को सेपरेट किया जाता है। तो आपका जो मिरर होता है, जो मिरर के अंदर जो ग्लास इस्तेमाल होता है, वो भी उसी से बनता है, रेत को पिघला के बनाया जाता है ग्लास जो होता है। तो वो जो चमकदार किस्म का, एक आपके घर में जब बजरी गिराने आता होगा पठान, तो उसके अंदर वो अक्सर आपको मोटे मोटे से थोड़े वो थोड़े पिंक सा भी कलर होता है, कभी येलो भी होता है थोड़ा, और वो थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद वो दरख्त में से जो गोंद निकलता है उस टाइप का उसका कलर होता है, वो सलीका होती है। उसी में से सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसी में से सिलिकॉन को निकाल के उसी से ये जो प्रोसेसर्स बनते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, जो आज के दौर में जो प्रोसेसर मौजूद है वो उसी से बना हुआ होता है। अच्छा, तो फिर हुआ क्या, हम वापस उसी में चलते हैं, हम काफ़ी आगे आ गए अचानक। अब साइंसदान ने ये एक ख़ास किस्म का मटेरियल तो दरियाफ्त कर लिया, जो थोड़ी देर हम उसको इंसुलेटर और थोड़ी देर कंडक्टर बना के रख सकते हैं। अच्छा, वो बनाते कैसे? वो हम देते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी, एक ख़ास अंदाज में जब उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, तो वो कंडक्टर बन जाता है, और एक ख़ास अंदाज में जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इंसुलेटर बन जाता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बैठा हुआ यहाँ पे जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड हो, कोई है? क्योंकि उसके लिए मैं एक थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा ताकि उसको भी बेटर समझ में आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे के सामने जब ये बात करता है ना, कई दफ़ा मेरे साथ हुआ है, जब मैं बात करता हूँ ना, तो वो कहते हैं, ऐसे हो जाते हैं, वो कहते हैं सर ये क्या बात कर रहे हैं। तो जब मैं फिर उनको बताता हूँ कि ये डायोड की बात हो रही है, ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, उसमें गेट ओपन और क्लोज़ होता है, तो वो कहते हैं अरे हाँ ये तो सही बात कह रहे हैं। तो असल में वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही जर्नल लेवल पे, तो समटाइम वो बंदे थोड़े शॉक हो जाते हैं, यार ये क्या बकवास है, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, लेकिन वो फिर बताता हूँ तो समझ जाते हैं। तो वेल, अब हमारे पास इमेजिन कर लें आप कि मेरे पास बिस्किट्स हैं, एक बिस्किट, दो बिस्किट, तीन बिस्किट, सोने की बिस्किट होती है ना, मेरे पास सिलिकॉन की बिस्किट है। अच्छा, वो एक बिस्किट एक वक्त में क्या हो सकती है? या तो कंडक्टर या तो इंसुलेटर। अब मेरे पास 10 बिस्किट हैं, एक को मैंने ऑन कर दिया,
एक को मैंने ऑफ कर दिया। अच्छा, ऑन ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर पॉजिटिव नेगेटिव लो हाई, ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में बात करेंगे तो आप बोलेंगे 01, ठीक है, या ऑन या ऑफ। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट्स को यही सेम चीज़ पढ़ाई जाती है, वो उनको कहते हैं हाई लो, ठीक है, या बोलते हैं 3 वोल्ट या 5 वोल्ट। 3 वोल्ट मतलब 0, 5 वोल्ट मतलब 1, ठीक है, तो मुख्तलिफ नाम है। फिर यही चीज़ जो केमिस्ट्री वाले बंदे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ पढ़ाई जाती है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन करके पढ़ाया जाता है, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज करके पढ़ाया जाता है। तो ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ जगहों पर आपको ये मिलते हैं। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या आ चुके हैं, मेरे पास सिलिकॉन के बिस्किट्स आ चुके हैं 10-12 जितने भी। एक बिस्किट को मैं एक वक्त में क्या कर सकता हूँ, या तो ऑन रख सकता हूँ या तो ऑफ रख सकता हूँ, 0 या 1, हाई या लो मैं रख सकता हूँ। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। जब तक मैं इलेक्ट्रिसिटी दे के रखूँगा वो उस वैल्यू को होल्ड करेगा। अच्छा, अब मैं उसके अंदर इस काबिल हो गया हूँ कि मैं कुछ डेटा स्टोर कर पाऊँ, बहुत छोटे अमाउंट का डेटा, लेकिन कुछ डेटा मैं उसके अंदर स्टोर अप कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ डेटा मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ, क्या डेटा स्टोर करना चाह रहा हूँ मैं? मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना नाम उसमें स्टोर करूँ। कैसे करूँगा मैं अपना नाम स्टोर, क्योंकि वो तो एक ऑन होता है एक ऑफ होता है, इसमें मैं अपना नाम कैसे स्टोर करूँ, ये तो बड़ा मसला हो गया। फिर मैथमेटिशियंस को ये टास्क दिया गया कि वो एक ऐसा नंबर सिस्टम तैयार करें जिसमें 0 और 1 में सारी चीज़ें हो जाती हों, जो हम गिनती लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये 9 बेस या 10 बेस कह लें आप इसको, क्योंकि इसमें 10 यूनिक सिंबल्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो अभी मैथमेटिशियंस को ये, अभी मैथमेटिशियंस का काम आ गया, जिनका काम है हिसाब किताब करना, ठीक है, जैसे लियोनार्डो डा विंची है, वो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी था बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ। अब अल-ख्वारज़मी था, एक मुसलमान साइंटिस्ट गुजरा है, वो भी मैथमेटिशियन था। तो उन लोगों के जो अलजबरा वगैरह के जो पुराने वर्क्स थे वो भी इसमें काफ़ी यूटिलाइज़ किए गोरों ने। तो अब मैथमेटिशियंस का बिल्कुल ही अलग टास्क मिला है, उन्होंने एक नंबर सिस्टम बाकायदा सोच समझ के डिज़ाइन किया, बनाया, तैयार किया, इस चीज़ में क्या करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये तो या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, 0 और 1 के अलावा कुछ सेव कर ही नहीं सकता मैं इसमें। उन्होंने बना दिया 0-1 वाली गिनती। अच्छा, 0-1 वाली गिनती आती है सब लोगों को यहाँ पे, पता है, कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों के सामने ना यहाँ पे एक लिखता हूँ बाइनरी नंबर, स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पेंट खोल लेता हूँ, बल्कि पेंट नहीं, मैं वो खोल लेता हूँ, एडोब XD खोल लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम ज़रा सा ये समझते हैं, थोड़ा होल्ड करते हैं, कि मैथमेटिशियंस ने जो बकवास जो बनाई थी वो क्या भला बनाई थी उन्होंने, क्योंकि बाइनरी नंबर सुनते ही ना एक हॉल उठता है बंदे को सही है ना, क्योंकि स्कूल में वो ऐसे बोलते हैं LCM निकालो, पता नहीं फार्मूले इस तरह के अजीब किस्म के, तो थोड़ा सर पे चीज़ सवार हो जाती है इस तरह, बंदे को लगता है यार पता नहीं कितनी मुश्किल चीज़ होगी कि यार इस तरह से जो है ना इसको करना पड़ता है। वेल, तो मैं यहाँ पे वो बिस्किट्स बना देता हूँ, बिस्किट्स नहीं बनाता हूँ, पहले तो मैं वो नंबर तो लिखूँ ना आपको, क्योंकि जिन लोगों को आप में से आता है उनका पता चल जाएगा। मैंने कहा कि 0011 0101, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है जी। अच्छा भाई, कौन मुझे बताएगा कि ये बाइनरी में क्या लिखा हुआ है, सबको नज़र आ रहा है? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, हाथ खड़ा करें जिनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, मैं गारंटी कर रहा हूँ कि अभी 10 मिनट बाद आप लोग, जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं कि क्या चीज़ है, अपने फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट करके इस वाले बाइनरी का नंबर आप बताएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है।
ठीक है, अब हम ज़रा शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं हम ये बिस्किट्स, इसको मैं इसी तरह छोड़ देता हूँ लिखा हुआ ये। अच्छा, और मैंने क्या किया, मेरे पास क्योंकि जो है ना 8 बिस्किट हैं टोटल, ठीक है जी, ये टोटल मेरे पास जो है 8 बिस्किट्स आ चुकी हैं। और कुछ बिस्किट्स को मैंने ऑन कर दिया, कुछ को मैं ऑफ कर दूंगा, सही है। इस पहले वाले को मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, और इसको ऑफ कर देता हूँ, बाकी ऑन सही है। ये मैंने एक, मेरे पास जो बिस्किट्स थी उसमें मैंने ये वैल्यू होल्ड करवा दी, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिशियंस ने क्या किया, बहुत आसान सा हल निकाला। उन्होंने बोला कि जो सबसे पहली वाली बिस्किट है ना, उसका जो है आप वैल्यू दे दो उसको 1, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या दे दो, 1 दे दो। अच्छा, उसके बाद वाली जो आपकी होगी ना बिस्किट, उसकी वैल्यू आप कर दो 2 कर दो, सही है। उसके बाद वाली जो वैल्यू बिस्किट जो होगी उसकी वैल्यू आप कर दो क्या, 4, नहीं 3 नहीं है, 4। ये मेरे पास सिलिकॉन है ना, जो मेरे पास ये वो चीज़ है जो जिसको मैं अपनी मर्ज़ी से कंडक्टर बना सकता हूँ और अपनी मर्ज़ी से इंसुलेटर बना सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी देकर, ठीक है ना। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी दे के कुछ को मैंने 0 कर दिया, कुछ को मैंने 1 कर दिया। 0 का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, इंसुलेटर है वो, 1 का मतलब है वो कंडक्टर है, ठीक है। तो मेरे पास ये बिस्किट्स तो आ गई हैं, अब मुझे इसमें वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैथमेटिशियंस को मैंने टास्क दिया कि आप मुझे क्या बना के दो, आप मुझे एक ऐसा नंबर सिस्टम बना के दो जो 0-1 में सब कुछ मैं कन्वर्ट कर सकूँ। अब मिसाल के तौर पर मुझे उसमें नंबर स्टोर करना है 213, 213, ये मुझे नंबर स्टोर करना है। अब मैं कैसे स्टोर करूँगा, उसमें तो 0-1 आते हैं सिर्फ, ठीक है। अच्छा, या तो अगर 0 हो या 1 हो तो समझ में आता है, मैं एक को ऑफ कर दूंगा तो 0-1 तो आराम से सेव हो गया, लेकिन मुझे तो बड़े नंबर सेव करवाना है, मुझे नंबर सेव करवाना है 213, वो मैं कैसे करूँगा। तो मैथमेटिशियंस ने मुझे ये मुझे आइडिया दे रहे हैं, ठीक है ना, कि आप ये करो, पहले की वैल्यू को आप इमेजिन कर लो कि 1 है वो, दूसरे की वैल्यू को इमेजिन कर लो कि वो 2 है, है या नहीं कुछ, वो है तो 0, ऑन ऑफ ही है असल में, लेकिन वो कह रहे हैं इमेजिन कर लो आप। तो वो हम ज़रा पूरा करते हैं। अच्छा, और हम जल्दी से जो है ना सबकी वैल्यू बना लेते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, उसके जो 2 के बाद उन्होंने बोला 4 कर दो, 4 के बाद उन्होंने बोला यार 8 कर दो इसको। अरे ये क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है। 8, 1, 2, 4, 8, अब देख रहे हो कहाँ जा रहा है, 8 के बाद क्या आएगा, 16 आ गया, उसके बाद 32 आ गया, उसके बाद आ गया 64, उसके बाद 1, 2 गायब हो गया, 1, 2, 8 सही है, उसके बाद 1, 2, 8 आ गया। अब देख रहे हो ये कहानी कहाँ पहुँची। अच्छा, ये तो इमेजिन करवा लिया मुझसे मैथमेटिशियंस ने, अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अब ये करो आप कि जिस जिस वैल्यू वाला बिस्किट
वन है या ऑन है या कंडक्टर है या पॉजिटिव है, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है, या हाई है या प्रोटॉन है, उसको आप क्या कर लो, सम कर लो आपस में, उसको आप क्या कर लो, सम कर लो। अच्छा तो मैं यही करता हूँ, मैंने कहा अच्छा पहली बिस्किट इसकी वैल्यू थी वन, कैलकुलेटर खोल लेता हूँ साथ साथ, ये सीधे आंसर स्टार्ट होगा। अच्छा पहला जो बिस्किट है मेरा उसकी वैल्यू है वन, और वो बिस्किट क्या है, ऑन है या ऑफ है, ऑन है वो बिस्किट, तो मैंने कहा भाई वन को जो है प्लस कर लो, उसके बाद प्लस का बटन दबा दिया मैंने। अच्छा उसके बाद जो अगली बिस्किट है मेरी उसकी वैल्यू क्या है, टू, वो बिस्किट ऑन है या ऑफ है, ऑन है, तो मैंने यहाँ पे टू को भी सम कर लिया, सही है, जो वैल्यू थी वो मैंने लगा ली। फिर तीसरी बिस्किट जो है मेरी उसकी वैल्यू क्या है, फोर है, इस फोर को क्या करना है, मैंने सम करना है या नहीं करना, करना है क्योंकि ऑन है वो, तो मैं इसको फोर को भी सम कर लेता हूँ। अच्छा उसके बाद जो अगली बिस्किट है इसकी वैल्यू एट है, लेकिन मैं इसको सम नहीं करूँगा क्योंकि ये तो ऑफ है, अगले पे चलते हैं 16, मैंने कहा भाई 16 प्लस, उसके बाद 32 ऑफ है, 64, तो अब मैं बोलूँगा 64 और प्लस, ये जो बाइनरी मेरे पास बिस्किट में इस वक्त सेव हुई हुई है ये किस पे कन्वर्ट हो रही है, 87, ठीक है, ये 87 लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बाइनरी सिस्टम जो मुझे मैथमेटिशियंस ने बना कर दिया, ठीक है, समझ आया ये वाला। अच्छा एक और हम एक्सरसाइज करते हैं इसी तरह, इस पूरे की मैं कॉपी बना लेता हूँ और इसकी मैं जो अंदर की वैल्यूज है वो थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, इस वाले को मैं ज़ीरो कर देता हूँ, इस वाले को वन कर देता हूँ, ये क्या हो रहा है, वन कर देता हूँ इसको, इसको भी मैं कर देता हूँ वन, सही है, ये मैंने ज़ीरो कर दिया, ये ज़ीरो कर दिया मैंने, सही है, और इसको वन छोड़ दिया। जल्दी से कैलकुलेट करो ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला, स्क्रीन है तो शेयर, वहाँ पे नहीं हो पाएगी, सही तो दिख तो रहा है, थोड़ा जूम इन कर दूँ क्या, थोड़ा मैं जूम इन और भी कर सकता हूँ अगर बोलो तो, बस ये इससे ज़्यादा मेरे ख्याल जूम नहीं हो पाएगा। अच्छा मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या लिखा हुआ है। ये तो कैलकुलेटर पीछे चला गया। अच्छा भाई वन प्लस, उसके बाद 16 प्लस, और उसके बाद 32, अच्छा 8 भी है, प्लस 8, 57 आ गया, सही है, तो ये 57 लिखा हुआ है। अच्छा अब जल्दी से ऊपर वाला जो है ना वो प्लस करके बताओ, ये वाला, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग सब जिनको कोई आइडिया नहीं था कि क्या लिखा हुआ है वो अपने फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट करके बताएंगे, बताओ 53, अच्छा मुझे भी नहीं पता क्या है, मैं भी कैलकुलेट करूँगा, सही है, सबसे पहले वाला वन होती है वैल्यू प्लस, उसके बाद टू, उसके बाद फोर, फोर को प्लस किया मैंने, फिर उसके बाद एट, 16 और 32, तो 16 प्लस 32 को मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया, तो 53 आया, तो भाई बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ठीक है। अब बाइनरी सिस्टम को समझना तो आ गया हमें, बाइनरी सिस्टम को क्या हुआ, समझना तो हमें आ गया कि अब मेरे पास जो बाइनरी बिस्किट्स हैं जो सिलिकॉन की, उसमें मैं 0-1 करके क्या सेव करवा सकता हूँ, 53 सेव करवा सकता हूँ, 57 करवा सकता हूँ, और 213 जो मुझे करवाना था वो भी मैं करवा सकता हूँ। हाँ अभी उस पर आते हैं नाम कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे अपना नाम सेव करवाना था, वो भी उस पर आते हैं, वो कैसे करेंगे हम, ये हम अभी ना कंप्यूटर इन्वेंट कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये हम उस दौर में हम सोच रहे हैं, हम कंप्यूटर की इन्वेंशन को हम अपनी आंखों से देखते हुए जा रहे हैं, उसके बारे में हम थिंक थ्रो कर रहे हैं। वेल अच्छा अब ये तो हो गया, अब मुझे इसके अंदर वैल्यू सेव करवानी है 213। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये मेरे पास जो 8 बिस्किट्स हैं
इसके अंदर मैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी बड़ी सेव करवा सकता हूँ? भाई ज्यादा में ज्यादा यही होगा ना, सबको मैं ऑन कर दूंगा, यही होगा और क्या होगा? 256 नहीं होगा, 255 होगा। आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी होगी, दोबारा करो कैलकुलेट। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 255। अच्छा मैं भी करता हूँ अपने पास। अच्छा सबको अगर मैं ऑन करूँगा, लेकिन अच्छी बात है कि आप कैलकुलेट तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सबको मैं करता हूँ, प्लस वन है उसके बाद टू है, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128, ठीक है 255। मिनिमम कितनी बड़ी वैल्यू सेव करवा सकता हूँ? ये तो मैक्सिमम हो गया 255, सबको ऑन कर दूंगा 255 हो गया। मिनिमम जीरो, क्योंकि मिनिमम ये होगा सबको मैं ऑफ कर दूँ, सबको जीरो कर दूंगा मैं, तो कुछ भी सम नहीं होगा तो जीरो ही रहेगा फिर वो। तो जीरो से लेके 255 तक की वैल्यू सेव करवाने के काबिल मैं हो चुका हूँ। 255 से बड़ी वैल्यू सेव करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बिस्किट मुझे 8 का और चंक लेना पड़ेगा। अच्छा हमारे पास जो मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस है उसमें 8-8 के चंक होते हैं, ठीक है, तो वो आप 8 पूरा आपको लेना पड़ता है, तो आप एक और ले लोगे चंक। ये 8 बिस्किट में 255 तक की वैल्यू सेव हो रही है, 8 और ले लिया मैंने, अब बताओ उसमें कितनी बड़ी वैल्यू सेव हो जाएगी इसी अप्रोच के मुताबिक? 510। कैसे? हाँ चार गुना, मतलब 255 का चार गुना कोई 1000 होगा, 1000 के अराउंड, 1000 1200, इतनी। चलो करके देखते हैं। अच्छा 128 के बाद अगला क्या है? 256। उसके बाद क्या है? 512। अब अगर मैं सिर्फ ये 512 वाले को वन कर दूं, बाकी सबको ऑफ कर दूंगा, तो 512 तो सिर्फ ये वाला हो गया। अब बताओ मुझे पूरा, जब सबको मैं ऑन करूंगा, मेरे पास टोटल 16 बिस्किट्स हैं, सबको मैं ऑन करूंगा तो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी? ये आइडिया है कुछ? कैलकुलेट करते हैं। 512 के बाद 512 का डबल 1024 है, ठीक है, 1024 का डबल 2048 का डबल 4096 का डबल 8162, यही है। और उसके बाद 91 समथिंग होगा, 9164 इस तरह कुछ होगा। वेल करो कैलकुलेट, करो मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 4096 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 8192 भी मैंने गलत लिखा है, 8162 लिख दिया मैंने, 8192 हुआ। 8192 के बाद 16384 हुआ, डबल करना था तो मैंने क्या किया, कुछ और गड़बड़ कर दी मैंने। अच्छा 8192 मल्टीप्लाई बाई 2, अच्छा 16384 16384 अच्छा 16384 को फिर मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, 32768। किसने बताया 65000? आपने बताया, जुड़ यार। अच्छा इन सबको अगर मैं ऑन कर दूंगा, इन सारे बिस्किट्स को अगर मैं ऑन कर दूंगा, तो वैल्यू कितनी होगी मेरी? 65000 65535, टू बी मोर एक्यूरेट। 65535 तक हम पहुंच चुके हैं, कितने में? 16 बिस्किट्स में। अब इन 16 को अगर मैं 32 कर दूं, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? आसमान में गया। हम 2 बिलियन से भी क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये जो एक मेरे पास चंक है ना 8 बिस्किट्स का, इसको हम कहते हैं एक बाइट। इसको हम क्या कहते हैं? एक बाइट।
अभी मेरे पास दो बाइट मौजूद है। अच्छा ये एक एक बिस्किट है, अभी तक तो मैं जनरल वर्ड इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे जो कंप्यूटर साइंस की है। एक बिस्किट को एक बिट कहते हैं, BIT बिट, सही है। एक बिट एक वक्त में या तो जीरो होगा या तो वन होगा। ये 8 बिट्स को मिला के क्या बनेगा, एक बाइट बनेगा, एक चंक ऑफ 8 बिट का एक चंक होगा, वो बाइट कहलाएगा। ये मेरे पास दो बाइट है, 3, 4, 5, 6 जितनी बाइट्स मैं लेना चाहूँ कंप्यूटर के अंदर वो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अलाउ होता है डिफरेंट तरीके से। वेल, अब मुझे ये तो पता चल गया है कि मैक्सिमम मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, जितने मैं नंबर सेव कराना चाहूँ मैं बाइट्स बढ़ाता चला जाऊँगा, होते चले जाएंगे नंबर सेव मेरे पास। अब मेरे पास एक सवाल रह गया, एक सवाल ये रह गया कि मुझे नंबर सेव करवाना था 213, कौन मुझे ये बताएगा कि कौन से मैं, अब एक तो था ना कि लिखे हुए को मैंने समझ लिया वो तो यूँ चुटकियों में ईजिली, अब 213 को मैं पुट करना है इसके अंदर, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करूँ मैं, ये तो मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं सबको ज़ीरो कर देता हूँ, ये जितने भी हैं ना सबको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ज़ीरो, ज़ीरो। अब 213 के लिए ना मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कोई ऐसा बिस्किट जिसकी वैल्यू 213 हो, उसको मैं बंद कर दूंगा, बाकी सबको ऑफ छोड़ दूंगा। तो क्या मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसी बिट मौजूद है जिसकी वैल्यू 213 हो, कोई ऐसी बिस्किट मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं देखूंगा चलो उससे थोड़ा कम वाली मिल जाए मुझे। तो 213 से कम वाली कौन सी है यहाँ पर, 128 है, तो मैं 128 को कर देता हूँ 1, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब बचा कितना मेरे पास, 128 तो मैंने ऑन कर दिया, पीछे कितना बचा है, अब पीछे जो बचा है उसको भी मुझे डिवाइड करना है ना इक्वली। अच्छा 213 में से मैंने 128 तो निकाल इसमें लगा दिया, 128 बचा है। अब मुझे कोई ऐसा बिट चाहिए जिसकी वैल्यू 85 हो, उसमें मैं ऑन कर दूंगा, हो गया पूरा मेरा। क्या है ऐसा कोई मौजूद, तो 85 से कम वाला कोई होगा, 64 है, तो मैं 64 को भी क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, ठीक है। 64 और चला गया मेरे पास, तो 85 माइनस और 64 चला गया, तो क्या बचा, 21 बचा। अब मुझे कोई ऐसा चाहिए जो 21 हो, 21 तो नहीं है, तो 21 से कम 16 है, 16 को मैंने 1 कर दिया, ठीक हो गया भाई, माइनस 16। अब बचा मेरे पास 5, कोई 5 है ऐसा जो, 4 है मेरे पास, 5 नहीं है, ठीक है, तो 4 को मैंने 1 कर दिया। अब 4 1 करने के बाद 1 बचा, तो अब ये 2 बिला वजह 0, ये हो गया मेरे पास 4 और 1 5। अब ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ना 1 0 1 0 1 0 1 1, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 213। अब इसको दोबारा जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे कैलकुलेट करके देखो 213 आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, हमने बाइनरी 213 जो मुझे सेव करना था, मेरा डिज़ायर्ड जो नंबर था 213, वो मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। समझ आया सबको? अच्छा अब मुझे एक नंबर और सेव करवाना है, वो नंबर है मेरे पास 267। अब बताओ वो कैसे सेव होगा, सबसे पहले कौन से वाले को मैं ऑन करूँगा, 267 तो है नहीं, उससे कम 256 है, उसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। मैंने कहा 267 माइनस कितना निकाल चुका हूँ मैं, 256 निकाल चुका हूँ, पीछे क्या बचा, 11 बचा मेरे पास। 11 को कैसे डिवाइड करूँगा मैं, 8 2 और 1, बहुत आसान है, कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा तो अब हम क्या हो चुका है, जो मैथमेटिशियंस ने जो बात हमें जो सिस्टम बना के दिया था उस सिस्टम को हम समझ चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब मैथमेटिशियंस ने तो बोला कि भाई नंबर ही, क्योंकि वो नंबर के बादशाह होते हैं, उन्होंने कहा भाई नंबर का पता है मैं, बस आगे तुम खुद ही देखा। हाँ ये बड़ा अच्छा तुमने सवाल पूछा, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये वाला जो बाइनरी सिस्टम है ये सबसे बेसिक इनिशियल बाइनरी सिस्टम है, ठीक है। ये सबसे क्या है, बेसिक और इनिशियल बाइनरी सिस्टम है। अभी जो मॉडर्न
जो बाइनरी नंबर्स हैं जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होते हैं वो इससे काफ़ी मुख्तलिफ हैं, ठीक है। वो आप सब लोगों का टास्क है। अब देखो बाइनरी समझ आ गया, बेसिक वाला बाइनरी। अब जो अभी वाला जदीद वाला बाइनरी है जिसमें डेसिमल पॉइंट्स में नंबर सेव हो रहा होता है, जिस इसमें क्योंकि नेगेटिव नंबर सेव नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव की कहानी चल रही है, जिसको हम कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में अनसाइन भी कहते हैं, ये एक टर्मिनोलॉजी है इसकी। तो अनसाइन तो हमने ये समझा है, लेकिन पॉइंट नहीं है फिर इसके अंदर। फिर नेगेटिव वाला भी तो कभी ज़रूरत पड़ सकती है, नेगेटिव में टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी डेप्थ होती है यानी सी लेवल कि कितनी गहराई में या हवा में कितना ऊपर है, एल्टीट्यूड जो है वो भी माइनस में पॉजिटिव में दोनों में होता है, ठीक है, प्रेशर भी नेगेटिव पॉजिटिव है, हर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव में होती हैं। तो वो आपको अपना अलग से यूट्यूब से जाके सीखना है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब आप इस काबिल हो गए कि आप जो भी सिस्टम आपको बताया जाए आपको फ़ौरन समझ आएगा, कोई मसला नहीं है आपके लिए। तो वेल उसके अंदर वो करते असल में ये बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ, वो 10 की पावर में सेव करते हैं नंबर, ठीक है, वो 10 की जो पावर है ना वो असल में सेव करवाते हैं, तो उसमें पॉइंट वगैरह खुद ही सारे कवर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये 213.76 मुझे अगर सेव करवाना है, 213.76 मुझे अगर सेव करवाना है, तो 10 की पावर में ये नंबर कैसे लिखेंगे? मुझे इतनी मैथ आती वाती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया है मुझे। तो अगर आपको भी नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, वो बैकग्राउंड में ही सब कुछ चल रहा होता है, आपको ये सब चीज़ों को छेड़ना नहीं होता, पता लेकिन ज़रूर होना चाहिए, बहुत उससे आपको फ़ायदा होता है चीज़ों को समझने में। तो वो 10 की पावर में उसको कैसे लिखेंगे ना, वो एक फॉर्मेट होता है, वो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी ऑप्शन होता है, तो वो 10 की पावर में कन्वर्ट करके अब उसमें जितने क्या कहते हैं ज़ीरो आते हैं वो सेव करते हैं कि भाई 13 ज़ीरो हैं और वो वैल्यू क्या है वो करते हैं, तो उसमें फिर बहुत बड़ी वैल्यू भी सेव हो जाती है, पॉइंट भी कवर हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कवर हो जाता है उसमें। वो अभी जदीद तरीका है वो सेव करने का, वो हम यहाँ पे अगर डिस्कस करेंगे तो थोड़ी बात काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर। वेल अब हमें इसके अंदर सेव करवाना है मेरा नाम। नंबर तो हम अच्छी तरह समझ गए कि कैसे सेव होगा इसमें, कौन बताएगा, कोई तरकीब है जहन में जिसके ज़रिए नंबरों को इसमें सेव करवाया जाए? हाँ नाम के अल्फ़ाबेट को मैं ऐसा क्या करूँ कि वो सेव हो जाए, क्योंकि नाम अल्फ़ाबेट नंबर तो नहीं है, नंबर की जगह अल्फ़ाबेट नहीं, फिर तो मेरे पास बिस्किट ज़ाया बहुत होगी ना फिर, क्योंकि मुझे एक अल्फ़ाबेट को सेव कराने के लिए फिर चाहिए होंगी 27 बिस्किट्स जिनमें से कोई एक ऑन होगा, फिर दूसरे अल्फ़ाबेट के लिए 27 और चाहिए होगी। हालांकि हम यहाँ देख रहे हैं 16 बिस्किट में हम 65,000 तक का नंबर हमने सेव करवा लिया, तो कोई एफिशिएंट मतलब सही है तरीका, तुम्हारा भी अप्रोच ठीक है, लेकिन तुम्हारी अप्रोच में ज़ाया बहुत हो रही है रिसोर्सेज, कोई बेहतर अप्रोच लेकर आओ। अगर हम ये करें जुगाड़ कि हर अल्फ़ाबेट को इमेजिन कर लें, ये भी तो हमने इमेजिन किया हुआ है ना कि इसकी ये वैल्यू है वो वैल्यू तो किसी की कोई नहीं है, है तो ऑन ऑफ। हम इमेजिन कर लें हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर असाइन करते हैं, हम ऐसे बोलें कि भाई कैपिटल लेटर का जो ए है उसकी जगह हम लिखेंगे 65, फिर कैपिटल लेटर का जो बी है उसकी जगह हम नंबर लिखेंगे 66, तो नंबर हम वही सेव करवा रहे होंगे, लेकिन जब भी हमें 66 लिखा हुआ नज़र आएगा हम समझेंगे अच्छा ये बी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर स्मॉल लेटर के लिए इसी तरह बना लें, स्मॉल लेटर का जो ए है उसका मैंने डिसाइड कर लिया कि 97 इसका रख देते हैं चलो नंबर, फिर जो बी है स्मॉल लेटर का उसका हमने 98 रख दिया, फिर इसी तरह सो ऑन 122 तक जाके मेरा जेड स्मॉल लेटर का जेड आ गया, फिर इसी तरह जो स्पेस है मैंने कहा चलो शुरू में ना जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4 से लेके फिर स्पेस और एंटर और ये सारी चीज़ें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, तो मैंने स्पेस का मैंने कहा 32 रख दो, ऐसे करके मैंने पूरा एक चार्ट बना लिया। अच्छा हाँ दो दफ़ा वही होगा 66। नहीं 66, 65 मैंने कैपिटल ए को दिया है,
66 मैंने कैपिटल बी को दिया है, स्पेस को मैंने 32 दिया है, 32 मतलब चार टिक बनाया जो शुरू के साइंटिस्ट ने, उन्होंने इस तरह किया। लेकिन चलो तुमने 6 भी दे दिया, फिर सवाल किया तुम्हारा डबल स्पेस देने के लिए दो दफ़ा होगा 66। सवाल तुमने वैसे पूछा थोड़ा ऐसा है कि वो देखो समझाता हूँ मैं। देखो एक बाइट है ना, ये जो एक बाइट में मैंने 213 सेव करवा दिया, फिर मैंने 57 सेव कराया। अब वो बाइट हैं तो साथ साथ सारी, लेकिन दो अलग अलग नंबर हैं, तो उसके बीच में एक डिफरेंशिएशन है। तो इसी तरीके से जो दो कैरेक्टर्स होंगे ना उनके बीच में भी डिफरेंशिएशन होगी। वरना तो अगर ऐसा हो कि 11 मैंने सेव किया एक जगह नमेरिक में, फिर एक जगह मैंने सेव किया 213, तो उसको तो 11 और 213 में वो तो पता नहीं 11213 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह दो कैरेक्टर्स भी अगर एक जैसे भी हैं बावजूद इसके, लेकिन वो अलग अलग रहेंगे। अच्छा इंटरनेट जो है भाई मेहरबानी कर रहा है, चल के नहीं दे रहा। अच्छा भाई इस टेबल को हम क्या कहते हैं, ASCII टेबल, ASCII, सही है। अब इसका कुछ एब्रिविएशन होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कोई लंबी सी होती है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वेल तो हमने क्या देखा कि ये कैरेक्टर है और ये उसका डेसिमल नंबर है। 32 के अगेंस्ट क्या दे दिया, स्पेस दे दिया मैंने। ठीक है, फिर इसी तरह ये सारे स्पेशल कैरेक्टर आप देखें एक एक करके आते जा रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा मजीद जूम इन कर पाऊँ, नहीं नहीं याद नहीं करना होगा, ये तो जैसी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ये मैं अप्रोच बता रहा हूँ। अप्रोच को समझो, ये याद कुछ भी नहीं करना है इसमें से, अप्रोच को समझो कि ये हो क्या रहा है इंटरनली कंप्यूटर के अंदर। अच्छा फिर इसी तरह देखो, 65 मैंने दे दिया किसको, कैपिटल ए को, फिर 66 दे दिया बी को, फिर इसी तरह सो ऑन आगे। ठीक है, ये कैपिटल लेटर की पूरी गिनती चली, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर शुरू हो गया 97 पे। ठीक है, और फिर ये चलता गया चलता गया, सो ऑन, ये जाके 122 पे मेरा जेड हो गया, फिर उसके बाद ब्रैकेट ब्रैकेट सारी जो भी आ गई। तो ये टोटल 127 कैरेक्टर्स का वन ऑफ द फर्स्ट इनकोडिंग चार्ट है एक तरह से, कि भाई जब जिंदगी में पहली बार साइंटिस्ट को ये ज़रूरत पेश आई ना कि यार नंबर तो चलो हमने सेव करवा लिया बाइनरी में, कैरेक्टर्स को कैसे सेव करवाएं, तो ये तरीका उसके लिए तैयार किया गया। ठीक है, समझ रहे हो, ये कंप्यूटर की इन्वेंशन हो रही है, अपनी आंखों से तुम लोग देख रहे हो कंप्यूटर किस तरह से इन्वेंट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप करके कंप्यूटर इन्वेंट हो रहा है। अच्छा भाई अब ये यहाँ तक की तो कहानी समझ आ गई कि अब मुझे क्या करना होगा। अगर मेरा नाम सेव करना है मलिक, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे एम कैपिटल चाहिए, तो मैं सबसे पहले लिखूँगा 77, कैपिटल एम आ गया। उसके बाद मैं लिखूँगा स्मॉल लेटर का ए, उसके बाद मैं लिखूँगा L108। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूँगा I105, उसके बाद लिखूँगा K107। ठीक है, अब मुझे अपने नाम को सेव करवाने के लिए कितने बाइट्स की ज़रूरत पड़ी। अच्छा ये जितने भी नंबर हैं एक बाइट, जैसे 107 है, ये इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे एक बाइट काफ़ी है, क्योंकि एक बाइट में मैंने क्या देखा था कि 255 तक के नंबर आ जाते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास एक बाइट है, ऊपर का जो चंक है पूरा, इसमें कितने आ जाते हैं, 255 तक के नंबर आ जाते हैं इसमें। तो इसका मतलब है कि एक कैरेक्टर के लिए मुझे एक बाइट मिनिमम रिक्वायर्ड है। मेरे नाम के अंदर 5 कैरेक्टर हैं मलिक मिसाल के तौर पे, तो मुझे कितने कैरेक्टर कितने बाइट रिक्वायर्ड हुए, 5 बाइट। एक बाइट में मैं टोटली एम लिखूँगा, एम के लिए जो नंबर है 77, दूसरे बाइट में मैं लिखूँगा ए जो भी उसका नंबर है, फिर L, फिर I, फिर K, मलिक। ये 5 बाइट में मेरा नाम सेव हो गया। अच्छा अगर मैं अपना फुल नेम लिखना चाह रहा हूँ, मोहम्मद इंजमाम मलिक, तो उसके दरमियान में स्पेस भी होगा, तो स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। स्पेस के लिए 32 हम देख चुके हैं मौजूद है। ठीक है, तो मैं इंजमाम लिखूँगा पूरा, उसके बाद एक कैरेक्टर स्पेस का 32, एक बाइट वो भी ले रहा है मेरा, फिर आगे मलिक। तो जितने कैरेक्टर होंगे स्पेस इंक्लूडिंग, उतने बाइट्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे। तो ये हमने देख लिया भाई कि अब आपका जो टेक्स्ट है या कैरेक्टर्स हैं या ABCD वाला जो डेटा है वो कैसे सेव होगा। जी दोस्त,
एक बाइट में, असल में एक बाइट में भी नहीं, आजकल जो मॉडर्न है ना उसमें 2 बाइट में एक कैरेक्टर होता है। नहीं बात तो सही है आपकी, वो बात आपकी सही है, लेकिन मसला ये फिर कंप्यूटर को समझ कैसे आएगा कि ये कैरेक्टर अलग है या सेम है, कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा इसको। आप इस तरह से समझे कि एक फॉर्म दिया हुआ है आपको, एक फॉर्म आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि आप अपने 3 फेवरेट नंबर्स लिख दें, 3 फेवरेट आपसे डिजिट पूछे गए, उसमें 3 अलग अलग खाने वाले हैं। अब आपने देखा नहीं है ना, खाने तो थोड़े बड़े हैं इसमें, मिसाल के तौर पे आपका जो फेवरेट नंबर था वो पहला वो 107 था, वो आपने लिख दिया। अब दूसरा जो खाना था उसमें आपने कहा यार खाना तो बड़ा है, अब आपका अगला फेवरेट नंबर है 3 और उसके अगला फेवरेट नंबर है 9, तो आपने कहा 3 और 9 में एक साथ एक ही खाने में लिख देता हूँ। तो जब फॉर्म सबमिट करके आप भेजेंगे ना, जो पढ़ने वाला बंदा है उसको लगेगा ये क्या लिखा हुआ है, 39 लिखा हुआ है, उसको ये लगेगा, जो इनका सवाल भी था एक्जैक्टली कि वो दोनों तो मिक्स हो जाएंगे, 66 हो जाएगा। तो इसलिए उसको एक खाने में मुझे एक ही नंबर लिखना पड़ेगा, बावजूद इसके कि खाने में इतना चौड़ा खाना है कि उसमें 3 डिजिट आ जाते हैं, लेकिन लिखना मुझे एक ही पड़ेगा, अदरवाइज वो पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा बाद में, ठीक है। या तो मुझे फिर ये करना पड़ेगा, लिख दूँ मैं फिर नीचे कॉमेंट लिखूँगा छोटा सा कि यार इसमें 2 नंबर एक साथ करके लिखे हैं, तो मसला ये वो कॉमेंट लिखने के लिए भी फिर स्पेस चाहिए, तो स्पेस अल्टीमेटली ज़ाया ही होगा आपका अगर आपने इस तरह की कोशिश की करने की। तो बेहतर ये है कि हम थोड़ा सा खाना जो था स्पेस उसको ज़ाया कर लें, ज़्यादा स्पेस को ज़ाया होने से बचा लें। जी हाँ, ये भी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अच्छा एक इसमें मैं आपके एडिशन भी करता हूँ एक सवाल में, इन्होंने कहा कि स्मॉल लेटर का ए मुझे अगर लिखना है, सेव करवाना है, तो वो तो नंबर भी 97 उसी तरह लिखा जा रहा है और कैरेक्टर जो लिखा जा रहा है स्मॉल लेटर का उसमें भी 97 सेम उसी तरह लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर ये कैसे समझ रहा है कि किस वक्त मैं कैरेक्टर स्मॉल लेटर का ए चाह रहा हूँ और किस वक्त मैं 97 चाह रहा हूँ, ये आपका सवाल था। इसमें मैं एक एडिशन करूँगा कि मुझे 2 सेव करना है, आप नोट करें कि 2 के लिए आपको कोड क्या दिया हुआ है, 50। अब ये क्या बकवास है, 2 के लिए आपको कोड दिया हुआ है 50। अब ये भी एक मसला है कि अच्छा 2 को सेव कराने के मुझे पूरा 1 byte चाहिए होगा, तो कुछ सम टाइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको क्या करना होता है, एज अ टेक्स्ट मुझे लिखना होता है। मिसाल के तौर पर अगर WhatsApp के मैसेज पे कोई लिख कर भेजते हैं नंबर, तो लिखा तो अपने नंबर है लेकिन वो एज अ टेक्स्ट जा रहा होता है, तो वो फिर इस तरीके से हो रहा होता है। वेल, तो आपका सवाल ये था कि भाई वो 97 कैसे पता चलेगा, तो हम जब मेमोरी में जब जगह रिजर्व करते हैं ना, ये मैं जनरल स्टाइल में बता रहा हूँ, कोई प्लीज़ मुझे कोट मत कीजिएगा इस बात पर, तो हम जब ये रैम में असल में चीज़ें सारी हो रही होती हैं, ये जो बिस्किट्स का मैंने जिक्र किया है, जो बिट्स का जिक्र किया है, ये असल में रैम मेमोरी है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहता है वो उसको होल्ड करके रखता है। तो रैम में जब मैं जगह लेता हूँ ना, तो कोई ख़ास किस्म का एक पोर्शन होता है उसमें मैं कहता हूँ इसमें टेक्स्ट सेव होगा, एक ख़ास किस्म का पोर्शन होता है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू सेव होंगी, ठीक है। मैं जनरली बता रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बाद में कोट मत कीजिएगा कि सर ये आपने गलत ढीठा, तो ये मैं समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। तो एक ख़ास किस्म के अगर पोर्शन में लिखा हुआ है ना ये 97, तो उसको वो समझेगा कि अच्छा ये इस पोर्शन में तो ये नंबर है, इसको 97 एज अ नंबर रीड करेगा। एक दूसरा खास किस्म का पोर्शन है उसमें अगर यही 97 लिखा हुआ होगा तो उसको क्या करेगा, वो एज अ टेक्स्ट उसको रीड कर रहा होगा, ठीक है। या अगर वहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, वहाँ पे अगर लिखा होगा 53, ठीक है, वो टेक्स्ट वाले पोर्शन में अगर 53 लिखा हुआ है तो उसको वो 5 कंसिडर करेगा कि ये 5 लिखा हुआ है, समझ लो। तो टेक्स्ट वाली जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी अलग स्टोर हो रही होती हैं, उसके ऊपर एक निशानी लगी हुई होती है कि अच्छा ये टेक्स्ट वाली वैल्यूज़ हैं। अच्छा जी, आपका भी कोई सवाल था? इसमें टैप भी होगा कहीं ना कहीं, इसमें अभी नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन टैप भी होगा इसमें, टैप भी ना एक कैरेक्टर के इक्वल होता है, हाँ इसमें टैप होगा। ये रहा 9 नंबर पे टैप है, हॉरिजॉन्टल टैप।
तो अगर आपने स्पेस की जगह टैब दिया है ना, तो उसके लिए नंबर इंटरनली सेव हो रहा होता है 9, ये टैब है। हाँ, दो टैब लेंगे आप तो नहीं, असल में स्पेस जो टैब होता है ना, वो सिस्टम डिसाइड करता है कि कितना उसमें स्पेस दिया जाएगा आपको। अगर सिस्टम 4 स्पेस सिस्टम है तो वो 4 आपको देगा, यानी डिस्प्ले करवाने की बात है असल में, कि डिस्प्ले किस तरह से हो रहा होगा। या प्रिंटर्स भी जो होते हैं ना, डॉट मैट्रिक्स वगैरह जो प्रिंटर होते हैं, जो आप राशन के लेने जाते हैं उसमें से पर्ची निकलती है, जो रसीद निकलती है, उसमें भी प्रिंटर में सेट हुआ होता है कि अगर टैब इनकाउंटर हो तो आपने कितनी जगह छोड़ दी है। तो टैब को टैब ही सेव कर रहा होता है, एज अ स्पेस उसको सेव नहीं करता वो, ठीक है। तो वो टैब जब इनकाउंटर हो तो प्रिंटर ये डिसाइड करता है कि कितना मुझे स्पेस इसके अगेंस्ट डिस्प्ले करवाना है, इस तरह से हो रहा होता है इंटरनली। और अगर स्पेस होता है तो स्पेस की सिंपल सी एक लॉजिक है कि जितने स्पेसेस होंगे ना, उतने कैरेक्टर के जितनी जगह छोड़ दिए, ये उसका एक सिंपल लॉजिक है। तो स्पेस और टैब दोनों को रखा जाता है। जैसे आप MS Word में भी जब नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो एक टैब का एक बटन प्रेस करते हैं तो थोड़ी जगह छोड़ देता है, तो इस तरह से हो रहा होता है। होपफुली समझ आ गया आपको, यही आपका यही क्वेश्चन था, मैं गलत तो नहीं समझा? आई सी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक स्पेस डालता हूँ और एक टैब डालता हूँ, दोनों इक्वल स्पेस लेंगे मेमोरी में, स्पेस 4 बाइट ले रहा होगा, क्योंकि 32 32 32 चार दफ़ा सेव हो रहा है और ये एक दफ़ा 9 बस आ रहा है। टैब यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, बट अब अगेन वही बात है, टैब का एक अपना यूज़ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि टैब में ना प्रिंटर में डिसाइड होता है इंटरनली कि वो टैब जब इनकाउंटर हो तो किस तरह डिस्प्ले किया जाए। तो कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप उसके स्पेस ही चाहिए होता है, कुछ ऐसी जगह जाती होती है जहाँ पे टैब ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, तो अप्रोप्रिएशन की बात है, केस टू केस ये वेरी हो सकता है। वेल आपका बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर आप स्पेस की जगह 4 5 स्पेस 6 स्पेस की जगह टैब यूज़ करें तो आपकी जगह बचेगी मेमोरी की। ओके अच्छा, तो ये हमने बात डिस्कस कर ली। अब हम इस काबिल हो गए कि कंप्यूटर में अपने नाम को भी हम सेव करा सकते हैं, नंबर को भी हम सेव करवा सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ना ये कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा करके कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है 213, एक था पहले, एक नंबर मेरे पास था 57, इसी पे अब दोनों को मुझे करना है प्लस। अब क्या करूँगा, ये तो मैंने इतना तो मैन्युअली कर लिया था, हाथ से इतना कर लिया था मैंने, अब क्या करूँ मैं आगे, दोनों को प्लस करना है या मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, या मुझे यूज़र को ये कैलकुलेशन करके आउटपुट दिखाना है। तो इस पॉइंट पे आके फिर इन्होंने बोला कि यार अब ना हमें एक लैंग्वेज बनानी पड़ेगी जिसके ज़रिए कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जा सके, ट्रेन किया जा सके सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मिसाल देता हूँ आपको, जैसे कि AC रखा हुआ है पीछे, बटन जब आप प्रेस करते हैं AC का, माइनस का या प्लस का बटन AC के रिमोट में आप प्रेस करते हैं, उसको समझ में आ जाता है कि आपने माइनस किया था या प्लस किया। आप छुपा के भी करेंगे ना AC के रिमोट को, प्लस या माइनस आप प्रेस करेंगे तो AC के रिमोट को पता चल जाएगा कि आपने क्या बटन प्रेस किया। क्यों? कि उस रिमोट में से एक बाइनरी सिग्नल निकल के वहाँ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर AC जिन्होंने भी बनाया है उन्होंने ऐसे ये सेट किया हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे उन्होंने बोला यार 32 का मतलब है प्लस, 33 का मतलब है माइनस, ठीक है। कोड जा रहा है एक एक, जब आप प्रेस करते हैं ना तो बटन यू ब्लिंक होता है, जो आगे लाइट लगी, आप गौर से देखेंगे ना मोबाइल के कैमरे में अगर आप देखेंगे वो दिखता है, इंफ्रारेड होता है ना क्योंकि वो, तो वैसे ब्लिंक करता है, वो एक्चुअली 01 भेज रहा होता है। जब वो ऑन होता है मतलब 1, जब ऑफ होता है तो 0, वो ब्लिंक करता ही यूँ वहाँ तक ना, वो 0101 का एक सिग्नल पहुँचता है। और अगर उस सिग्नल में लिखा वो हुआ 32 तो वो समझेगा प्लस है, 33 हुआ तो समझेगा माइनस है। आप छुपा के भी रिमोट करके दबाएंगे तो हो जाएगा। ये काम जो करने के लिए ना आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं आप, फिर वो उसको प्रोसेस कर रहे हैं, जाहिर है उस नंबर को कुछ ना कुछ वो अंदर प्रोसेस करके समझ रहा है। मिसाल के तौर पर आपने जो है कोई स्लीप का टाइमर दबा दिया,
एक टाइमर का भी बटन होता है कि 30 मिनट चल के ऑफ हो जाए या 90 मिनट चल के ऑफ हो जाए एसी, तो टाइमर का बटन उसको कैलकुलेट करना है इंटरनली और उस खास सर्टेन टाइम के बाद उसको एसी को टर्न ऑफ करना है, तो वो प्रोसेस भी हो रहा है अंदर, ठीक है। फिर जब भी कोई ऑपरेशन होता है अंदर तो एक बीप, खास किस्म की बीप की आवाज़ आती है, ऑन ऑफ होने का बीप अलग होता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे होने का बीप अलग होता है, ठीक है। अब हर एसी में अलग अलग होता है लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं। वेल, तो इस पॉइंट पे आके मुझे अब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई है, एक ऐसे ख़ास किस्म की लैंग्वेज की ज़रूरत मुझे पड़ना शुरू हो गई है जिसके ज़रिए मैं एक स्क्रिप्ट लिखूँ, एक प्रोग्राम लिखूँ, एक डायरेक्शन रिटन फॉर्म में लिखूँ और कंप्यूटर के हवाले कर दूँ और कंप्यूटर मेरी बात सही सही समझ जाए। वरना अगर मैं इस तरह करने लगा कि 01 में फिर तो मैं इसी में फंसा रहूँगा, फिर तो मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, तो फिर क़याम अमल में आया मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। अच्छा, जो शुरू में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी वो थोड़ी बाइनरी जैसी ही होती थी, हेक्साडेसिमल कोड्स होते थे। जो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना असेंबली लैंग्वेज तो आपको वो उसका कोड नज़र आ जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा उस तरह की हुआ करती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने तरक्की की, कंटिन्यूसली रिसर्च हुई। अभी जो इस वक्त हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं इसको हम कहते हैं थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे फर्स्ट जनरेशन बाइनरी थी, उसके बाद वो हेक्स के कोड होते थे उसको असेंबली लैंग्वेज कहते थे। फिर उसके बाद जो सी लैंग्वेज वगैरह आई, सी प्लस प्लस आई, ये जावा आई, उसकी ये जो जावा स्क्रिप्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये थर्ड जनरेशन है सारी। इसमें क्या होता है ना, ये बिल्कुल बाइनरी की तरह है ना, ये बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज है, ये दरमियान की कोई चीज़ है। थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि ह्यूमन समझ भी सकता है इसको और थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि कंप्यूटर भी समझ सकता है उसको, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो लैंग्वेज आएगी वो फोर्थ जनरेशन होगी। फोर्थ जनरेशन में ऐसा बोला जाता है, जब हम भी इंटर विंटर में मैट्रिक में जब हम बुक्स पढ़ते थे कंप्यूटर की, तो उसमें ऐसे हम डिस्कस करते थे आपस में कि फोर्थ जनरेशन आएगी, उसमें नेचुरल लैंग्वेज में आप बोलेंगे और कंप्यूटर को समझ आएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स अभी भी मौजूद हैं कि नेचुरल लैंग्वेज में आप बोलते हैं समझ आता है। जैसे एक मैट लैब करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो मैथमेटिशियंस उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो काफ़ी काफ़ी करीब तरीन है वो नेचुरल लैंग्वेज से। उसके अलावा चैट बॉट्स भी हैं मार्केट में, चैट बॉट्स के बारे में आप सर्च कीजिएगा घर जाके कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, मेरी एक्सपर्टीज़ चैट बॉट में भी है और वॉइस एप्लीकेशन में मेरी एक्सपर्टीज़ है। मैंने शुरू अपना करियर इसी से किया था, वेब डेवलपमेंट से, लेकिन लेटर ऑन मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो चैट बॉट और वॉइस एप्लीकेशन है। वो क्या है, उसमें आप ऐसे कंप्यूटर्स बनाते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जिससे आपका जो यूज़र होता है वो बोलता है, उसको रियल लैंग्वेज में बोल के बात करता है, ठीक है। तो वो फोर्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। वेल, लेकिन अभी वो प्रैक्टिकल नहीं है, अभी तो वो उसको कुछ बोलो कुछ समझ में कुछ और आता है उसको, ठीक है ना। अभी इस वाले लेवल पे उसको भी काफ़ी टाइम है, तो अभी यही है प्रैक्टिकल, तो थर्ड जनरेशन ही है। जितनी बड़ी बड़ी जो एंटरप्राइजेस की फर्म है उनके जो सॉफ्टवेयर हैं, एयरपोर्ट के सॉफ्टवेयर, नासा के और वो स्पेस मिशन और आपके जो जो बैलिस्टिक मिसाइल विज़ाइल सारे लॉन्च होते हैं, एटॉमिक सिस्टम्स जो बने हुए हैं, वो सारे थर्ड जनरेशन वाली लैंग्वेज पे ही बने हुए हैं, ठीक है। कुछ बल्कि सेकंड वाले पे भी हैं जो बहुत पुराने पुराने बने हैं। अलेक्सा ही तो है, चैटबॉट है ना, वो एक तरह वॉइस एप्लीकेशन है, उसकी प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट नहीं होती है फिलहाल आपकी इतला के लिए, ठीक है। वो है तो फोर्थ जनरेशन बोल के बाद होती है, लेकिन वो उसकी प्रोग्रामिंग होती इसी में जावास्क्रिप्ट में। वेल, तो अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। इस पॉइंट पे हम कंप्यूटर हमने इन्वेंट कर लिया है और अब हम क्या इन्वेंट करने जा रहे हैं, अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव करने जा रहे हैं। टाइम अभी है, काफ़ी है हमारे पास, आधा घंटा है। आधे घंटे में इंशाल्लाह हम हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट का बना लेंगे आज। अच्छा, तो अब हम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट का एक अदद हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का जो हेलो वर्ल्ड है या जावास्क्रिप्ट के जो प्रोग्राम्स हैं वो दो तरह से लिखे जा सकते हैं। एक तरीका उसका ये है कि जो HTML CSS हम पहले ही जो पढ़ चुके हैं उसके दरमियान में हम प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट की जो क्या कहते हैं प्रोग्राम है वो अपना ऐड कर सकते हैं, एक तो ये है। दूसरा जो तरीका है
क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल हो चुकी है, अभी हम जावास्क्रिप्ट की भी एवोल्यूशन थोड़ी सी डिस्कस करेंगे हेलो वर्ल्ड बनाने के बाद, वो अब ब्राउजर के बगैर भी चल जाती है। तो फाइल का नाम लिखेंगे डॉट जे एस लगाएंगे, उस फाइल में डायरेक्ट कोड लिखेंगे, डायरेक्ट चलेगा। लेकिन वो वाला तरीका हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम कौन सा पढ़ेंगे जो एच टी एम एल के कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है। ठीक है, जब हम सर्वर्स की तरफ मूव करेंगे फ्रंट एंड कंप्लीट करके, तो फिर हम जो दूसरी वाली जावास्क्रिप्ट है उसको हम क्या कहते हैं, नॉट जे एस। वेल, तो अभी हम जरा ये दो तरीके हैं, ठीक है, मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है ताकि आपके जहन में ये बात आ जाए कि दो तरीके होते हैं इसको बनाने के। अच्छा, तो मैं भाई आपकी जो क्लास का कोड है वो ओपन कर लेता हूँ। रीसेंट और बैजेट, अच्छा ये मैंने आपकी क्लास का जो कोड था वो ओपन कर लिया। इसके अंदर एक आपके पास फोल्डर बना हुआ है HTML, जिसमें HTML के सारा कोड मौजूद है, फिर एक CSS है। उसके बाद अब मैं क्या बना लेता हूँ, एक नया इसमें फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं क्या रखूँगा, इसके अंदर से लगे इसका मैं नाम रखूँगा जावा स्क्रिप्ट, और इसको मैं कहूँगा 3.JavaScript। ठीक है, ये मैंने जावास्क्रिप्ट के नाम से क्या बना दिया, एक अलग फोल्डर बना दिया। अच्छा, इसके अंदर आज का जो पहला प्रोग्राम है वो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें बनाऊँगा मैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने एक हेलो वर्ल्ड के नाम से फोल्डर बना दिया। अच्छा, अब ये हेलो वर्ल्ड बनाने के बाद अब मैं इसमें क्या बनाना चाहूँगा, अब मैं इसमें बनाऊँगा एक अदद वही इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो पहले बनाते थे हम। ठीक है यार, प्यारे दोस्त ज़रा पानी अगर मुझे पिला दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, वही HTML CSS इसमें बनेगी। ठीक है, वही HTML इसमें बन रही है। अच्छा, इसमें मैं एक फोल्डर और बना दे रहा हूँ, क्योंकि ना सिर्फ एक फोल्डर को ये थोड़ा पता नहीं अजीब तरह से दिखा रहा है। ठीक है, मैंने दो फोल्डर बना दिए क्योंकि वो एक फोल्डर की वजह से ना एक ही रो में दिखा रहा था। तो ये 01 जो मेरा हेलो वर्ल्ड है, इसमें मैंने क्या बनाया, HTML की जो फाइल है जो हम शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं, जो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, वो मैंने बना दी इसमें। अच्छा, अब इस HTML की फाइल के अंदर आके मैंने कहा कि ये जो मेरा बेसिक कोड होता है ये मैंने लिख दिया इसके अंदर। ठीक है जी, अब ये बेसिक कोड लिखने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने इसमें कहा H1 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और इसको मैंने कॉपी पाथ करके कहाँ पे ओपन कर लिया, मेरे गूगल क्रोम के ब्राउज़र पे। कहाँ चला गया मेरा गूगल क्रोम, चलो छोड़ो गूगल क्रोम, सफारी में ओपन करता हूँ। गूगल क्रोम को ओपन करना पड़ेगा। थैंक यू। क्या ठंडा ठार पानी लाके दिया यार, मजा आ गया। अच्छा, ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। यहाँ तक कोई सवाल किसी का, ये हम बहुत दफा बना चुके हैं पहले भी। अब इस जावास्क्रिप्ट के दरमियान में, ठीक है, किसी भी जगह हो, सॉरी इस HTML के कोड के दरमियान में किसी भी जगह पे मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट का एक टैग लगाऊंगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट का एक टैग लगाया। अब इस स्क्रिप्ट के टैग के दरमियान में, जैसे स्टाइल का लगाते थे हम, याद है, CSS लिखने के लिए उसके बीच में सारी CSS लिख देते थे, इसके बीच में मैं सारी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। अच्छा, वो भी आप कहीं भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हेड में लगाए, नीचे भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, वो भी एक डिस्कशन है कि वो शुरू में क्यों लगाते हैं और आखिर में क्यों लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टाइलिंग पहले लोड हो तो आप उसको शुरू में लगाते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी स्टाइलिंग बाद में लोड हो तो उसको बाद में लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसने सवाल अच्छा पूछा ये, तो अगर बाद में लोड करेंगे स्टाइलिंग तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि पहले HTML आपकी दिख जाएगी और उसमें कोई कलर नहीं होगा, बगैर कलर के दिखेगी। ठीक है, फिर जैसे ही स्टाइलिंग लोड होगी ना तो वो एकदम कलर आ जाएगा, तो समटाइम थोड़ा अजीब लगता है, बुरा लगता है, तो इसलिए CSS को ऊपर लगाते हैं, अदरवाइज उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से कुछ CSS ऐसी होती है जो सामने नज़र नहीं आ रही होती,
ठीक है, वो साइड बार के अंदर होती है या कोई डायलॉग बॉक्स खुलने पे नज़र आ रही होती है। तो आमतौर पे जो बड़ी ऐप्स होती हैं, जो जैसे फेसबुक लेवल की जो ऐप्स होती हैं, वो क्या करते हैं इस तरह की CSS को सेपरेट करते हैं, एक अलग फाइल बनाते हैं उसकी, ठीक है, अलग फाइल करके, और इस तरह की CSS जो फ़ौरन सामने नज़र नहीं आती उसको नीचे रख देते हैं। इस अप्रोच को हम कहते हैं लेज़ी लोडिंग। क्या कहते हैं? लेज़ी लोडिंग। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो फ़ौरन फ़ौरन सामने इस्तेमाल नहीं हो रही उसको हम पेज पूरा लोड होने के बाद उसको लोडिंग करवाते हैं। ठीक है जी, अच्छा तो ये मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया। स्क्रिप्ट का टैग लगाने के बाद जावा स्क्रिप्ट की सबसे पहली लाइन जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है? अलर्ट। ठीक है, अलर्ट लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इसके दरमियान में मैंने क्या लिख दिया? हेलो इंजमाम मलिक, ठीक है, अपना नाम लिख दिया मैंने। ये लाइन जब चलेगी, अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब चलती है ना तो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूट होना। ठीक है, तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये लाइन चल, हम इसको ऐसे बोला करेंगे कि ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है बता सकता है कोई? हाँ, एग्जीक्यूट किस चीज़ को कहते हैं वैसे, मतलब जनरली जनरल लाइफ में? किसी भी चीज़ को ना काट पीट के उसका काम तमाम करने को कहते हैं हम एग्जीक्यूशन। मिसाल के तौर पे जैसे आपकी अम्मी जब आलू को छील के और उसको काट वाट के पूरा उसका काम तमाम कर देती है ना, तो उस जब वो मतलब वो एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो लोगों को सजाए मौत दी जाती है तो उसको भी एग्जीक्यूशन कहते हैं कि इसका काम तमाम करना है। ठीक है ना, या मिसाल के तौर पर अगर गोश्त है कोई, ठीक है, गोश्त लेकर आया आप, तो उसका कीमा बनाना उसको हम एग्जीक्यूशन कहते हैं, चॉप करना किसी चीज़ को। तो जो ये वाली इंस्ट्रक्शन है ना, ये भी जब कंप्यूटर के अंदर जाती है तो कुछ इसी तरह की चीज़ अंदर हो रही होती है, ये चॉप हो रही होती है अंदर जाने के बाद, वो एक एक लाइन को देखता जाता है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता जाता है। तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो भी लाइन्स होती हैं उसको हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तलवार से गर्दन उड़ाने को भी एग्जीक्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा खतरनाक सा नाम है, खतरनाक सा वर्ड है, लेकिन यही यूज होता है सब जगह पे। अच्छा, अब इस जावास्क्रिप्ट को, ये जावास्क्रिप्ट की पहली लाइन हमने सीख लिया आज, अलर्ट। अलर्ट के दरमियान में मैं कोई भी चीज लिखूंगा वो स्क्रीन पे पॉपअप बड़ा सा बन के आ जाएगा, उसके अंदर वो चीज लिखी हुई आ जाएगी। इसको चलाने के लिए अब मैं क्या करूँगा, कैसे चलेगी ये, कोई बता सकता है कि ये कैसे चलेगी? इसको चलाने के लिए मुझे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी है, मैं इस वेब पेज को जब रन करूँगा ब्राउज़र में, जब इसको मैं ओपन करूँगा तो ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक खुद ही चल जाएगी, देखते हैं चल के। ठीक है, मैं आके इस पेज को मैं क्या करता हूँ, ये बटन दबा के रिफ्रेश करता हूँ मैं, चलिए सही है। अच्छा, वो गायब नहीं हुआ असल में, वो उसको ब्लॉक कर देता है वो, ठीक है, अलर्ट जो है ना वो ब्लॉक कर देता है। मैंने इसको ओके किया, चला गया वो। तो ये अलर्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब वार्न करना होता है हमें यूज़र को, तो हम ये अलर्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। जैसे बंदे ने अगर कोई चीज़ डिलीट कर रहा है तो हम बोलते हैं भाई आर यू श्योर, ओके, ठीक है, इस तरह करके। अच्छा, अब ये तो चीज़ हो गई, सबसे पहली लाइन जावास्क्रिप्ट की आज हमने सीख ली, अलर्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ और भी चीज सीखते हैं। अलर्ट को हम आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अलर्ट की तरह की बिल्कुल एक चीज है कॉन्सोल डॉट लॉग। ठीक है, ये अलर्ट की तरह की एक चीज और है कॉन्सोल डॉट लॉग। कॉन्सोल डॉट लॉग जो है वो क्या करते हैं, अच्छा अलर्ट में और कॉन्सोल डॉट लॉग में छोटा सा डिफरेंस ये है कि अलर्ट आमतौर पे यूज़र को दिखाने के लिए होता है, ठीक है, और कॉन्सोल जो होता है ना वो डेवलपर के लिए होता है।
इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आया, लेकिन मुझे अब इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ देखो कॉन्सोल छोटा सा लिखा हुआ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे जो है ना कॉन्सोल जो भी मैंने लिखा था वो नज़र आ रहा है। इसके ये डिवेलपर कॉन्सोल होते हैं, ठीक है, डिवेलपर अपने इस्तेमाल के लिए इसको आमतौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अलर्ट हम कोशिश करते हैं कम से कम यूज़ करें, क्योंकि अलर्ट ना थोड़ा पैनिक सा भी होता है और वो बहुत सारी चीज़ों को रोक भी देता है, ठीक है। तो अलर्ट हम कोशिश करते हैं कम से कम सिर्फ उस पॉइंट पे यूज़ करें जहाँ पे यूज़र को कुछ हमें वार्न करना है, दिखाना है, या कुछ कोई बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूरी अभी के अभी देनी है, तो वहाँ पर हम अलर्ट लगाते हैं। अदरवाइज़ हम अगर यूज़र को कुछ दिखाना नहीं है तो हम कॉन्सोल लगा रहे होते हैं, ठीक है। अभी हम जावास्क्रिप्ट की कितनी लाइन सीख गए, दो लाइन सीख गए, सही है। अच्छा, अब ये दो लाइन सीखने के बाद हम आज की जो लर्निंग है वो यहीं भी रखते हैं, दो लाइन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, आप सब लोगों को मैं ये बुक दे दूंगा, इस बुक के जो शुरू के तीन चैप्टर हैं, शुरू के, अच्छा इसके चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, एक ही पेज का एक चैप्टर है, सही है, दिखा देता हूँ मैं आपको ताकि आपको जो है ना वो ना हो बाद में। ये चैप्टर नंबर वन अलर्ट है, ये तो आपको मैंने पढ़ा ही दिया, सही है, सिर्फ अलर्ट एक लाइन इसमें डिस्कस हो रही है वो मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, देखो बस यहीं तक था, ये छोटा चैप्टर है, आसान है, मज़े का है। अच्छा, दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा ये आ गया, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ना है आपने और जो ये बता रहे हैं ना वो करना है। हर चैप्टर के आखिर में यहाँ पर देखो एक्सरसाइज का लिंक है, ये देख रहे हो, ये लिंक लगा हुआ है, जो ये लिंक एक्सरसाइज में जाके ना इसको प्रैक्टिस करनी है आपने। तो चैप्टर नंबर टू और चैप्टर नंबर थ्री, ये चैप्टर नंबर टू ख़त्म हो गया, ये चैप्टर नंबर थ्री आ गया, तो ये तीन चैप्टर आपने घर में खुद से जाके पढ़ने हैं, और पढ़ने के बाद इन तीनों के आखिर में ये जो एक्सरसाइज का लिंक है इसमें जाके आपने एक्सरसाइज करनी है इन चैप्टर्स को, ठीक है। अगली क्लास से पहले पहले आपको ये काम करना है, ठीक है। तो आज की अपनी लर्निंग हम यहाँ पे रोक देते हैं, और यहाँ पे अपनी लर्निंग को रोक कर हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट की ना एवोल्यूशन को समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट एवोल्यूशन जो है वो क्या चीज़ है। असल में अगली क्लास में डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे, तीन डेटा टाइप्स पे असल में ओवरवेलमिंग हो जाएगा, अभी एकदम नया नया है ना, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा आगे कर सकते हैं। स्क्रिप्ट के अलावा जो दूसरा तरीका है जावास्क्रिप्ट को लाने का, अलग फाइल वाला, सोर्स वाला है ना, वो छोड़ो, ये अगली क्लास में पूरी आज की नहीं इसमें। अच्छा यार, अब हमने ज़रा जावास्क्रिप्ट को समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट की एवोल्यूशन वो कैसे हुई। देखो हमने ये शुरू में देख चुके हैं कि वेबसाइट की एवोल्यूशन कैसे हुई, इंटरनेट की एवोल्यूशन कैसे हुई, तो थोड़ी सी मैं वो स्टोरी भी बल्कि रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको वो याद आ जाए कि मैं कौन सी वाली स्टोरी की बात कर रहा हूँ। कि जब नया नया इंटरनेट ईजाद हुआ तो इंटरनेट कैसा था, एक मैंने यहाँ पर तार, एक मेरे पास है जिसमें स्विच लगा हुआ बटन, और एक पीछे कोई दोस्त बैठा हुआ है मेरा, उसके पास एक बल्ब है। मैं यहाँ से बल्ब ऑन करता हूँ तो इसका मतलब मैंने ये बता दिया कि बल्ब ऑन है तो ख़तरा है,
बल्ब ऑफ है तो क्या है, पीस है, मैंने सेटिंग कर ली, ये एक इंटरनेट हो गया। ये सबसे बेसिक जो इंटरनेट था वो यही था कि एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे में, एक मोर्चे में वो लगा हुआ है क्या कहते हैं बटन, और दूसरे मोर्चे के अंदर बल्ब लगा हुआ है। अब यहाँ से वो बटन प्रेस करके ना उसको मैसेज दे सकता है, ठीक है, मोर्स कोड करके, और काफ़ी सारे मुख्तलिफ किस्म के कोड थे। अगर तुम लोगों ने कोई पुरानी मूवी देखी हो तो उसमें वो टेलीग्राफ करके एक चीज़ होती थी, तो वो इसी तरह करते थे, टेलीग्राफ ऑपरेटर होता था बाकायदा, बड़ी उसकी डिमांड होती थी, बड़ा वाइट कॉलर होता था वो ना, मतलब फुल चौड़े में, तो उसके बाद ये हुनर होता था, उसको पेपर ला के देते थे लिख कर। वो क्या करता था, एक बटन होता था उसके पास, उसको वो प्रेस करता था रैंडमली, और प्रेस करके वो पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करता था, ठीक है। देखिए किसी ने मूवी वगैरह इस तरह की, हाँ अभी वो करते हैं ना टेलीग्राफ, अरे इंटरनेट ही आ गया यार, पता नहीं क्या हुआ, ठंडा हुआ है, चल के ही नहीं दे रहा। अभी मैंने टेलीग्राफ ऑपरेटर्स पे लिखा है, देखते हैं अगर आ गया तो। नहीं चलता भाई, बिल्कुल अलग है असेंबली। हम लोगों को जो पढ़ाते हैं जो यूनिवर्सिटी में, वो तो x86 पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर वो एक जावा वालों ने बनाया था बाइट कोड, बाइट कोड उन्होंने बनाई थी बिल्कुल दरमियान की चीज़, तो अभी उसको भी असेंबली लैंग्वेज बोल लो या क्या बोल लो। तो बाइट कोड क्या होता था, सी लैंग्वेज और जावा और इन सब का कोड जो है ना, जावा स्क्रिप्ट का सबका बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। तो बाइट कोड से जो है ना, यानी जितनी भी लैंग्वेज है हाई लेवल उसका बाइट कोड से 1-to-1 है, यानी जितनी लाइन आप हाई लेवल पे लिखोगे वो बाइट कोड में उतनी ही बनेगी। जावा स्क्रिप्ट बाइट कोड में चलता है, फिर बाइट कोड से ना वो असेंबली कोई भी जनरेट कर लेगा, x86 भी, आर्म भी, और भी कई सारे हैं, पावर पीसी है, पता नहीं कौन कौन से हैं, वो सब जनरेट कर लेगा। फिर उस असेंबली से जो है ना जो बाइनरी होगा वो 1-to-1 है। सी लैंग्वेज इतनी थोड़ी सी लो लेवल भी उसमें चीज़ें हो जाती हैं, है तो वो हाई लेवल लेकिन थोड़ी लो लेवल चीज़ें भी उसमें हो जाती हैं। और सर अगर असेंबली का मेन यूज कहाँ होता है, दूसरा ही अगर उसमें अगर अच्छा होना तो बंदा क्या करता है? असेंबली आमतौर पर डेवलपर से जरूरत नहीं पड़ती, मशीन लर्निंग वगैरह नहीं, किसी में जरूरत नहीं पड़ती। सी लैंग्वेज जो है ना आपका, उसमें ज़रूरत पड़ जाती है जैसे ड्राइवर ड्राइवर वगैरह लिखने होते हैं ना, ग्राफिक्स के आपके साउंड के ड्राइवर जो होते हैं, इस तरह आपके जो मशीन के इंटरफेसेस जो बनाने होते हैं आपको। अब इंटरफेस तुमने पता नहीं कभी बनाया इंटरफेस कभी, मशीन से मशीन और मशीन से सॉफ्टवेयर के इंटरफेस, इंटरफेसिंग एक चीज़ होती है बाहर, तुम वो देखोगे ना उसमें ज़रूरत पड़ जाती है काफ़ी। भाई सेमेस्टर निकालने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, टीचरों के उठाने की जरूरत है, ये समझ में। असेंबली पढ़ना है अब तुम्हें, पढ़ने के लिए पढ़ो, सेमेस्टर निकालने के लिए तुम टीचर भी उठाओ। अच्छा यार, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम, कि इंटरनेट जब शुरू शुरू आया था तो इस तरह से वो हुआ करता था। फिर भाई मैंने क्या किया, बाइंड्री तो पता चली गया हमें, तो मैं बाइंड्री नंबर भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ उसी क्लिक क्लिक क्लिक, फिर नाम भी अपना भेज सकता हूँ, पूरे पूरे लेटर भी भेज सकता हूँ, वो तो हमें पता चल ही गया बाइंड्री नंबर 123 123 क्या कहते हैं 0101, उससे मैं जो चाहूँ ट्रांसफ़र कर दूँ।
फिर जब ये इंटरनेट और आगे बढ़ा तो इन्होंने बोला कि यार इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज जो ASCII है ना, वो असल में इंटरनेट के लिए बना था। इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज उसका क्योंकि नाम है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए तारों के ज़रिए, कि भाई टेक्स्ट है उसको 01 में कन्वर्ट करके भेजना है, तो पहले नंबर में कन्वर्ट होगा, फिर 01 में होगा, फिर जाएगा। तो उस वक्त के जो बिजनेसेस थे इंटरनेट से पहले के, वो अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कार्ड बनाते थे, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर्स बनाते थे, पंफलेट्स बनाते थे, फ्लायर्स बनाते थे, ठीक है। फिर कोई उनका स्पेशल इवेंट होता था, कोई डिस्काउंट ऑफर आती थी, कुछ आता था, तो वो जहाज़ में ना भर के छोटे छोटे पर्चे पूरे शहर के ऊपर बरसाते हुए जाते थे। तो इस तरीके से काम चलता था। फिर जब ये इंटरनेट आया तो इंटरनेट पे पहले तो कम्युनिकेशन होती थी टर्मिनल पे ही, जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है, काली स्क्रीन होती है, उसी के ऊपर ही आप मैसेज एक भेज देते थे किसी को लिखे हुए कंप्यूटर के ज़रिए। एक तो ये ना वो क्लिक क्लिक कर, वो तो मुश्किल था, ये अब थोड़ा हम आगे आ गए कि टर्मिनल पे कमांड लिख के और एंटर करते हैं तो मैसेज चला जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया, जब ये विंडोज़ 92-91 जो भी आई थी, NT, विंडोज़ NT न्यू टेक्नोलॉजी, तो उसमें स्क्रीन आ गई, ग्राफिक्स आ गए, उसमें फिर वीडियो भी चल जाती थी, पता नहीं फोटो भी आ जाती थी। तो उन्होंने बोला यार इंटरनेट में भी ना अब ऐसा होना चाहिए, पेजेस होने चाहिए। अब इंटरनेट में क्या होना चाहिए, पेजेस होने चाहिए। तो फिर उन्होंने HTML पूरे मार्कअप लैंग्वेज डिज़ाइन किया, ये हम पहले स्टोरी शुरू में सुन चुके हैं, जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। फिर उन्होंने बोला अच्छा यार HTML से स्ट्रक्चर बन गए, थोड़े कलर भी होने चाहिए, तो फिर CSS डिज़ाइन किया थोड़ा। तो फिर उन्होंने बोला कि यार इसके अंदर ना अब थोड़ी बहुत एनिमेशन भी होनी चाहिए, कि चीज़ भाई क्लिक करूँ तो कुछ हो, और जो है ना मतलब मिसाल के तौर पर कोई इनपुट लेना है मुझे, अब कैलकुलेटर छोटा सा मुझे बनाना है वेबसाइट के ऊपर ही, या कोई अगर शॉपिंग के लिए मैं बना रहा हूँ, अच्छा उस वक्त तो खैर शॉपिंग किसी के ख्यालों में भी नहीं होगा कि वेबसाइट से शॉपिंग भी होगी कल को, लेकिन जस्ट इन केस इस तरह की कोई चीज़ लोग करना चाह रहे थे कि यार मैं टाइमर बना दूँ, कैलकुलेटर बना दूँ, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की बना दूँ। तो उस वक्त जो नेटस्केप नेविगेटर जो था और मोज़िला फायरफॉक्स उस वक्त था, जो ये वन ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउजर्स हैं, मोज़िला फायरफॉक्स और ये आपके नेटस्केप नेविगेटर, और उस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर भी उसी वक्त आया था। ये गूगल क्रोम तो बहुत बाद में आया, ठीक है ना। गूगल क्रोम ये जब सुंदर पिचाई मार्क ये बना CEO गूगल का, तो फिर उसने जो है ना ये बोला कि यार आप ना गूगल क्रोम बनाओ तो इसमें फ़ायदा होगा। तो ये मेरे ख्याल है 2004 या 5 की बात है। उससे पहले तो ये लोग थे सारे, मोज़िला वाले थे और ये नेटस्केप। तो इन लोगों ने क्या किया, बोला कि यार ऐसे ना एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमें बनानी चाहिए, ठीक है। अच्छा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, किसी को आइडिया है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? अच्छा एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कोई ज़रा ओपिनियन अपना दे सकता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी ब्रेन स्ट्रोमिंग है, कोई सही गलत नहीं है, कुछ जो भी जहन में आ रहा है बोल सकते हैं, है? नहीं नहीं अधिकारी नहीं। ये कैसे तुमने बाय द वे मतलब कैसे सोचा तुमने? अच्छा स्क्रिप्ट से सोचा तुमने। अच्छा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज समझाता हूँ मैं, देखो क्या होता है। एक तो होती है फुल फ्लैश जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, उससे आप कंप्यूटर को कोई भी बात समझा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी बात समझा सकते हैं। एक होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कोई ख़ास किस्म के पर्पस के लिए वो बनाई जाती है, कोई ख़ास किस्म का जो टास्क होता है ना वो परफॉर्म करने के लिए वो बनाया जाता है, वो जनरल पर्पस नहीं होती बिल्कुल। तो आप जो है क्या बोलते हैं एक्सेल, अगर आपने किसी ने यूज़ किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो उसके अंदर भी ना एक लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है। क्या लगाते हैं आप? इक्वल्स टू, उसके बाद लगाते हैं आप इफ़, या उसके बाद लगाते हैं सम, तो वो एक फार्मूला आप लगा रहे होते हैं, तो वो एक लैंग्वेज ही तो है, लेकिन वो लिमिटेड है। वो क्या कर सकते हैं आप उसमें? उसमें लिमिटेड चीज़ें कर सकते हैं, उसमें सम कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, इफ़ लगा लेंगे, छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो दैट इज़ कॉल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वो एक स्क्रिप्ट है। या मिसाल के तौर पर मेरे पास फ़ोन में एक ऑटोमेशन करके एक चीज़ है फ़ोन में, उसमें क्या होता है कि भाई मेरे पास ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैं कर सकता हूँ कि अगर मेरे बैटरी का जो लेवल है वो एक सर्टेन लेवल से कम आए, सही है, तो मैं एक मैसेज भेज दूँ किसी को,
किसी भी नंबर पे एक खास किस्म का मैसेज मैं भेज दूँ, ऐसे छोटी छोटी प्रोग्रामिंग हो जाती है। अच्छा, फिर अगर मैं अपने घर में दाखिल हूँ तो कुछ ख़ास किस्म की चीज़ कर दूँ मैं, लो पावर मोड हटा दूँ या कुछ कर दूँ, या अगर मेरी बैटरी फुल हो जाए तो मैं लो पावर मोड से हटा दूँ उसको, ये मेरी बैटरी अगर 50% से नीचे आ जाए तो मैं लो पावर मोड लगा दूँ, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उसमें ऑटोमेशन हो जाती है। ठीक है, ये हर आईफोन में होती है। तो मगर ये क्या है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मैंने मिसाल के तौर पे बोला कि हर रोज़ शाम को 6 बजे क्या करो, मेरी लोकेशन एक ख़ास नंबर पे मैसेज कर दो, ये मैंने स्क्रिप्टिंग लिखी भी अपने पास, तो हर शाम को 6 बजे मेरी लोकेशन एक ख़ास नंबर पे मैसेज कर देता है। अब लेकिन होता क्या है, ये जनरल पर्पस नहीं है। मैं अगर इसमें ये चाहता हूँ कि मैं एक ATM का सॉफ्टवेयर बना लूँ, तो वो इस ऑटोमेशन जो इसमें दी हुई है उन्होंने, इसमें पॉसिबल नहीं है वो। या मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर मैं चाहूँ कि मैं ATM का एक सॉफ्टवेयर बना लूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब वो जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो सम वगैरह लगता है उसके ज़रिए मैं चाहूँ अगर कि मैं ATM का एक सॉफ्टवेयर बना लूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, ATM के सॉफ्टवेयर तक बन जाएगा उसमें, ठीक है, वो इतना कैपेबल है, ATM का सॉफ्टवेयर तक बना लेगा वो, लेकिन फिर उससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। मैं चाह रहा हूँ यार ऑनलाइन शॉपिंग बना लूँ उसके अंदर, वो नहीं उसके अंदर हो पाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन तक तो वो मुझे करवा देगा। ठीक है, इनपुट भी ले लेता है वो, जो आपके बाहर अटेंडेंस होती है वो एक्सेल पे ही होती है। ठीक है, वो अभी तो शायद उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बना लिया, पहले एक्सेल पे होती थी, तो इनपुट जो मशीन है ना वो डायरेक्ट एक्सेल से कनेक्टेड है, ट्वीट करते हैं एक्सेल पे डेटा चला जाता है, तो इनपुट भी ले लेता है वो, कार्ड आप एंटर करेंगे तो वो ट्वीट करके डेटा ले लेगा, कार्ड अंदर जाके चेक कर लेगा, आपको वो अमाउंट लिखी हुई होगी किसी एक सेल में, वहाँ से माइनस करके आपको डिस्प्ले करवा देगा, सही है, आउटपुट भी दे देता है, कोई ट्वीट करके वो डब्बा होगा उसका मुंह खोल देगा वो आपके। तो ATM का सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे शायद बन जाए, कभी बनाया नहीं है मैंने, लेकिन शायद बन जाए। ठीक है, क्योंकि वो इतना कैपेबल है, इतना यानी कि वो इतने फीचर उसमें मौजूद हैं उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। लेकिन उस पर अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं एक शॉपिंग पूरी दराज जैसी ऐप बना लूँ, वो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पॉसिबल नहीं है। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फ़र्क है कि जनरल पर्पस जो है वो उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता है, काफ़ी सारी जनरल चीज़ों के लिए उसको बनाया जाता है, लेकिन जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो किसी ख़ास पर्पस के लिए बनाई जाती है, उसमें उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता मज़ीद। तो जावास्क्रिप्ट जब आई थी शुरू शुरू में तो वो क्या थी, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। अच्छा, उसको बनाया किस लिए था, एनिमेशन हो जाए छोटी मोटी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हो जाए बस, कि अगर एक एक फॉर्म मैंने बनाया हुआ उसके दो खाने में अगर दो नंबर लिखे हैं तो तीसरे खाने में उसको सम करके दिखा दें, इसके चीज़ के लिए बनाया था। और एनिमेशंस कुछ के भाई अगर ये डब्बा है तो उसको फेड कर दो और फेड इन फेड आउट और लेफ्ट राइट ऐसे एनिमेट, ये सब चीज़ें होती थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक चीज़ आई फ्लैश, फ्लैश के नाम से, जो एडोबी करके कंपनी है जिनका फोटोशॉप भी है, उन्होंने जो है वो लॉन्च किया। अच्छा, जैसे ही एडोबी वालों ने फ्लैश लॉन्च किया ना, मार्केट में एकदम तहलका मच गया। अच्छा, उस वक्त तक जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेज थी ना वो काफ़ी फेमस हो चुकी थी, जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, लोग एनिमेशन के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे, jQuery उस वक्त तक आ चुकी थी। अच्छा, तो फिर बंदों ने बोला कि यार अब ना जावास्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगी, अब लोग फ्लैश इस्तेमाल किया करेंगे एनिमेशन वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत उसमें गेम्स भी बन जाते थे, पूरे 3D टाइप के गेम्स बन जाते थे उसके अंदर फ्लैश में। तो फिर हुआ क्या कि 2-3 साल गुजरे 4 साल गुजरे, फ्लैश के साथ प्रॉब्लम ये थी कि फ्लैश हैवी बहुत था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये थी। फिर दूसरा ये कि फ्लैश का जो की जो सपोर्ट थी ना वो बिल्टन कोई देता नहीं था, बिल्टन जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ था ये फ्लैश की सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट देता नहीं था, आपको फ्लैश ना अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। किसी को अगर वो टाइम याद हो गया जब हम YouTube खोलते थे तो वो बोलता था फ्लैश प्लेयर मिसिंग, तो फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करते थे आप प्लगइन उसका, तो फिर जाके वो YouTube की वीडियोज़ चलती थी, अदरवाइज़ वो नहीं चलती थी। और बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पे जब आप जाते थे तो वो आपको एक पट्टी लिखी भी आ रही थी कि यार फ्लैश प्लेयर आपका मिसिंग है, कुछ चीज़ें हो सकता है आपके पास काम ना करे, तो वो फ्लैश का ज़माना था। तो कोई भी ब्राउज़र कोई भी ये लोग ना बिल्ट इन फ्लैश की सपोर्ट देते नहीं थे,
सब जगह पे आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। फिर उसकी जो चीज़ें होती थी वो काफ़ी हैवी होती थी, उसका फॉर्मेट होता था SWT होता था गालबन, तो एनिमेशन उसकी या उसकी जो बनी हुई वेबसाइट या उस पर जो गेम्स बने हुए होते थे वो काफ़ी हैवी होते थे। जावा स्क्रिप्ट ऑन अदर हैंड उसके लिए कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता था, काफ़ी लाइट वेट था और जो ब्राउज़र के जो ऑनर थे उनका फुल कंट्रोल था उसके ऊपर। ऑन अदर हैंड फ्लैश के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, वो डॉबी वाले जो चेंजेस करते थे अपने हिसाब से, वो नए नए वर्जन डेली बेसिस पे निकालते थे तो वो अपने हिसाब से चेंजेस करते थे, तो ब्राउज़र के जो ऑनर थे ना उनको ये कुछ बात पसंद भी नहीं आती थी। वेल तो करते करते आखिर में फिर हुआ ये कि फ्लैश मार्केट से आउट हो गया। अच्छा, फ्लैश मार्केट से आउट हुआ वो इस वजह से हुआ कि वो सारी चीज़ें जो फ्लैश में होती थी वो आहिस्ता आहिस्ता जावास्क्रिप्ट में भी होने लग गई। ठीक है, जितने भी ये ब्राउज़र्स थे उन्होंने क्या किया कि वही सारे जो फीचर्स थे जो फ्लैश में मौजूद थे वो जावास्क्रिप्ट में भी ऐड कर दिया। अच्छा, इस पॉइंट पे ये बात समझना ज़रूरी है कि जावास्क्रिप्ट अभी ऑनरशिप किसकी है, जो ब्राउज़र है उसकी ऑनरशिप है। नेटस्केप नेविगेटर वालों ने अपनी अलग जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो जो कोड है ना वो खास किस्म का जो कोड है, जैसे अलर्ट है, अभी अलर्ट तो मैं किसी भी ब्राउज़र पे लिखूंगा सेम तरीके से काम करेगा ना, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त नेटस्केप नेविगेटर ने जो अपने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई थी वो बिल्कुल अलग थी, फिर जो मोज़िला फायरफॉक्स ने लिखी हुई थी अपनी जावास्क्रिप्ट वो बिल्कुल अलग थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो मार्केटिंग इस तरह से कुछ करते थे, आपको मैं अगर बोल के दिखाऊँ कि भाई नेटस्केप नेविगेटर पर आप ये वाली लाइन लिखेंगे ना तो ऐसे उड़ते हुए आएगा हेडिंग और आगे से रखा जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा, फिर मोज़िला फायरफॉक्स वाले बोलते थे कि भाई जो नेटस्केप नेविगेटर में उड़ते हुए आती थी ना हेडिंग, वो अब हमने भी दे दी सपोर्ट उसकी, तो हमारे पास आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, उनके पास कुछ और लिखना होता था, हमारे पास आपको ये कोड लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ मामला चल रहे थे। तो इन्होंने दोनों तीनों चारों ने अपने अलग अलग बनाया हुआ था पूरा। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आई जिसका नाम था एक्मा, ऑर्गेनाइजेशन कह लें या अलाइंस कह लें उसको, उन्होंने आके ना इन सबको समझाया कि यार आप सब लोग ना ये जो अलग अलग कर रहे हो ना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे डेवलपर को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि डेवलपर को अपनी वेबसाइट, क्योंकि शुरू में जब थे ना एक ही ब्राउज़र था नेटस्केप नेविगेटर, तो उस ज़माने में तो ये होता था ये वेबसाइट बनती ही उसी के लिए थी, बाकी वो लोग बोलते थे चलो भाई एक ही ब्राउज़र है तो कोई मसला ही नहीं है, उसी पर चल जाए तो काफ़ी है। लेकिन जब दो तीन चार ब्राउज़र मार्केट में आए तो डेवलपर्स के लिए बड़ा मसला हो गया, क्योंकि कुछ लोग मोज़िला फायरफॉक्स चलाते हैं, उनको उस पर भी सही बिहेवियर चाहिए, अच्छा चलना चाहिए, तो डेवलपर को डबल कोड लिखना पड़ता था, मोज़िला के लिए अलग, नेटस्केप के लिए अलग, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया तो तीन कोड लिखना पड़ने लग गया, फिर छोटे 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 उस वक्त और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स थे जो अब उनका नाम भी नहीं पता किसी को, जैसे अभी है ना ओपेरा वगैरह ये वो, इनका इतना किसी को पता नहीं है, ब्रेव के नाम से बड़ा चला हुआ है, तो इस तरह उस वक्त भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हुए थे, नेटस्केप भी उन्हीं में से एक स्टार्टअप था, बाद में नेटस्केप थोड़ा तरक्की कर गया लेकिन फिर बाद में बैंकरप्ट भी हो गया, बंद भी हो गया वो। ठीक है ना, अभी उसका नाम आपको शायद किसी कुछ ही लोगों ने सुना हो। तो वेल तो ये जो जी जावा और जावा स्क्रिप्ट एंटायरली अलग चीज़ है, जावा बिल्कुल एक अलग चीज़ है, वो सन माइक्रो सिस्टम करके एक कंपनी है, उन्होंने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, उसका नाम है जावा। जावा स्क्रिप्ट ऑन अदर हैंड ये ब्राउज़र पे चलने वाली एक चीज़ है, इनका आपस में दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जी तो जैसे कि आपने कहा जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो ऐसे कौन से काम है जो आपको नहीं कर सकते? हाँ, अभी मैं यही बताना इस पर आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो शुरू में जब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, आपके दोस्त ने पूछा कि यार स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो कौन से ऐसे काम है जो वो नहीं कर सकती, या कौन कौन से काम लिमिटेड है, जाहिर है कुछ ना कोई लिमिटेशन थी, तो वो लिमिटेशन अभी हम डिस्कस किए बगैर हम ज़रा एक्मा को हम गौर करते हैं कि एक्मा क्या कह रही है। एक्मा वालों ने बोला कि यार आप जो ये हरकत कर रहे हो ना तीनों चारों अलग अलग अपनी मनमानी में लगे हुए, आप इससे डेवलपर्स को बड़ा मसला होता है, और अगर आप चाहते हो कि आपका बिज़नेस चमके और जावा स्क्रिप्ट जो है वो मार्केट में मज़ीद आगे बढ़े, तरक्की करे और जावा स्क्रिप्ट मज़ीद फेमस हो, तो आपको ये करना पड़ेगा कि एक टेबल पर आना पड़ेगा। तो एक्मा वालों ने इनको एक टेबल पर बिठाया और क्या कहते हैं इनको बोला कि यार जो अच्छी चीज़ें हैं ना सब लोगों के पास वो सब टेबल पे रखो और उन सबको मिला के ना एक लैंग्वेज बनाओ, एक स्टैंडर्ड बनाओ, सब उसको फॉलो करो, एक ही कोड हो, सब जगह चले हो, ये नहीं हो डेवलपर को अलग अलग कोड लिखना पड़े। ठीक है, और फिर हम हर साल बैठेंगे इसी तरह कॉन्फ्रेंस करेंगे, हर साल जिसके जहन में जो आइडिया हो वो रखना, हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक अच्छी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बना पाएंगे। अच्छा, फिर
ECMAScript ने रिविजन्स किए. अभी जो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट चल रही है इसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं है, इसका नाम है ECMAScript. ठीक है. अच्छा, क्योंकि लोगों को आदत हो गई थी जावास्क्रिप्ट बोलने की, तो अभी जो बुक्स हैं उनमें भी जावास्क्रिप्ट ही लिखा हुआ होता है ज़्यादातर में, लेकिन असल में इसका नाम अब ऑफिशियली जावास्क्रिप्ट नहीं है. क्यों नहीं है जावास्क्रिप्ट? ये जैसे ही ECMAScript वालों ने सबको एक जगह जमा किया ना और ऑनरशिप अपने हाथ में ली, सन माइक्रो सिस्टम ने इनको कॉपीराइट क्लेम कर दिया. सन माइक्रो सिस्टम ने बोला कि भाई हमने बनाई थी लैंग्वेज, उसका नाम रखा था हमने जावा. ठीक है. अब उनकी कोई स्क्रिप्टिंग होती थी अंदर की, उसके नाम का पेटेंट उनके पास था, जावा स्क्रिप्टिंग. तो उन्होंने बोला भाई ये तो नाम का पेटेंट हमारे पास है, आपने यूज़ किया, आप पैसे दो हमें. तो इन्होंने बोला ठीक है, हम पैसे नहीं दे रहे, हम अपना नाम ही चेंज कर रहे. तो इन्होंने ऑफिशियली बोला ECMAScript है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नाम ECMA था, तो उन्होंने बोला ECMAScript है अभी. ठीक है. तो नाम ऑफिशियली चेंज हो गया. तो अभी जो जावास्क्रिप्ट हम जिसको बोलते हैं वो असल में ECMAScript 5 है. ठीक है. तो ECMAScript 5 जो है वो प्रैक्टिकल चल रही है. 2015 या 16 में ECMAScript 6 जो थी उसकी भी सपोर्ट मेजर ब्राउज़र ने सबने दे दी थी, और इस वक्त तकरीबन 80-90% सपोर्ट ECMAScript 6 को सारे ब्राउज़र करते हैं. ठीक है. अच्छा, तो हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ECMAScript 6, हम ECMAScript 5 नहीं पढ़े. अच्छा, बावजूद इसके कि हमारी जो बुक है ना जो हम स्मार्टर वे वाली फॉलो कर रहे हैं वो है EF5 की, सही है, वो ES5 की बुक है, लेकिन हम क्या करेंगे उसमें जो भी कोड लिखा हुआ है वो देखेंगे, लेकिन मैं कोडिंग आपको करवाऊंगा ES6 में. जैसे मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ES5 में एक चीज़ होती है var, VAR. ES6 में उसको बोलते हैं let. तो मैं आपको कोडिंग जब करवाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, let. ठीक है. तो इसी तरह जो जो चीज़ें अपडेट हुई हैं ECMAScript 6 में, मैं आपको यहाँ पर वही अपडेटेड चीज़ करवाऊँगा. अच्छा, तो अब इस पॉइंट पे आके हमारे पास क्या हो गया, ECMAScript एक स्टैंडर्ड बन गया, सारे ब्राउज़र उसको फॉलो करने लग गए. क्या सारे ब्राउज़र अभी भी एक ही जावास्क्रिप्ट चला रहे हैं, या अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा कोड है जो उन्होंने अपनी मनमानी की हुई है? क्या ख्याल है आप लोगों का? तो इसका जवाब ये है कि कुछ कोड अभी भी ऐसा है जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलता है. कुछ एक दो कोड है इस तरह, जैसे सिस्टम का मैक एड्रेस गेट करने की एक कमांड है, जावास्क्रिप्ट की कमांड है वो, लेकिन वो काम सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करती है. अच्छा, गूगल क्रोम के अंदर बहुत सारा कुछ ऐसा है, क्योंकि गूगल बहुत तेज़ चल रहा है, गूगल क्रोम में बहुत सारा कुछ ऐसा किया हुआ है जो किसी दूसरे ब्राउज़र पे नहीं होता. जैसे जो आपका वेब RTC की जो टेक्नोलॉजी है, वीडियो कॉलिंग की जो टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ें गूगल क्रोम ने अभी ऐड की हैं रिसेंटली, वो अभी तक कोई भी नहीं कर रहा. वेब असेंबली को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है. तो गूगल बहुत तेज, बहुत आगे है इस रेस में. ECMAScript 6 से बहुत आगे निकल चुका है गूगल. लेकिन जो बेसिक स्टैंडर्ड है ECMAScript 6 का, उसको सब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हर किसी ने अपना अपना ना छोटा छोटा कुछ एडिशनल चीज़ें अपने पास रखी हुई है जो उन्हीं पे चलती है और कहीं और नहीं चलती. ठीक है. छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें, वो वक्त के साथ साथ हम उसको जब सामने आएगी कभी तो हम उसको डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन ये है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड है जो ECMA ने डिसाइड किया है वो सबका सेम है. अच्छा, एक छोटी सी और हम आखिरी बात करके फिर हम ख़त्म करते हैं क्लास. अभी तक हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो थी ECMAScript 5 के आने के बाद उसको ये दर्जा हासिल हो गया था किसका, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. ठीक है, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, जब सारे टेबल पे बैठे उन्होंने वो सारी चीज़ें ऐड कर दी उसमें जो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस वक्त हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें ऐड हो गई. तो ECMAScript 5 पे क्या हुआ, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई. उसके बाद 2009 में, क्योंकि ये ब्राउज़र में चलती थी सिर्फ और सिर्फ, भाई गूगल क्रोम के अलावा आप चला ही नहीं सकते उसको, या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के बगैर आप चला ही नहीं सकते उसको. तो 2009 में कुछ लड़के आए, उन्होंने बोला यार ये क्या बकवास है कि ये आप बोलते हो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और चलती है ब्राउज़र के अंदर है सिर्फ, तो ये जनरल पर्पस कैसे हो गई? भाई मुझे इस लैंग्वेज के ऊपर एक बनानी है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, या एक मोबाइल ऐप बनानी है मुझे, या इस तरह का कोई भी दूसरा काम करना है मुझे, इसके साथ मुझे वो टीट वाला स्कैनर लगाना है QR कोड का या बार कोड स्कैनर, तो ये तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर, तो ये क्या बकवास है, जनरल पर्पस कैसे हुई है?
तो उन्होंने फिर क्या किया, जावा स्क्रिप्ट क्योंकि ओपन सोर्स उस वक्त तक गूगल ने ना एक इंजन बना लिया था V8 के नाम से, जो सबसे फास्ट इंजन था जावा स्क्रिप्ट का, वो ओपन सोर्स था। तो उन्होंने लड़कों ने क्या किया, वो इंजन को क्लोन किया गिटहब से और उसको मॉडिफाई करना शुरू किया और इसको ब्राउज़र के बगैर ही रन कर दिया मशीन के ऊपर, जो कि बाद में Node.js के नाम से मशहूर हुआ। क्या नाम है उसका? Node.js। अच्छा, Node.js हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो हम पढ़ेंगे ब्राउज़र वाली पहले। जब हम फ्रंट एंड रिएक्ट वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, जब हम सर्वर पढ़ेंगे ना, तो फिर हम ये Node.js वाली जावास्क्रिप्ट हम देखेंगे कि ये क्या होता है। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें जो ब्राउज़र के अंदर नहीं हो सकती थी, जैसे कि फाइल ऑपरेशंस, ठीक है, जैसे कि USB से कोई डेटा उठाना, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, वो हम कवर नहीं करेंगे ये चीज़ें USB वाली, USB से डेटा रीड करना या प्रिंटर से कम्युनिकेट करना, ये सारी चीज़ें ब्राउज़र के अंदर हो नहीं पाती थी जावास्क्रिप्ट में। तो ये जैसे ही वो बाहर आई ना जावास्क्रिप्ट, ब्राउज़र से बाहर जब आके डायरेक्ट नेटिवली रन होना शुरू हुई मशीन के ऊपर, तो बहुत सारी ये कैपेबिलिटीज़ भी पूरी हो गई। अच्छा, फिर इसमें डेटाबेस बना दिए गए, सर्वर लिखे जाने लगे इसके अंदर पूरे ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम्स लिख दिए अब तो, जो जिस पर गूगल क्लाउड कंप्यूट और बड़े बड़े क्लाउड प्रोवाइडर जो इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनली, वो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ चीज़ है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनना शुरू हो गई इसके ऊपर मोबाइल ऐप्स बनना शुरू हो गई, इस तरह की कई सारी चीज़ें, छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स लिखकर जो यूटिलिटीज़ बना दी लोगों ने। आपकी मैं नॉलेज में इजाफा करूँ कि जो विजुअल स्टूडियो कोड जो एडिटर है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे कोड लिखने के लिए शुरू दिन से, वो जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करके एक फ्रेमवर्क होता है उसके ऊपर वो बनता है। तो Node.js जब आई 2009 में, तो उसके आने के बाद जावास्क्रिप्ट को ऐसा मुकाम हासिल हो गया है इस वक्त प्रोग्रामिंग की दुनिया में कि जो आज तक शायद कभी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं मिला। नंबर वन चीज़, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई है कि जितने भी किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, वो जावास्क्रिप्ट पे बन सकते हैं, चाहे वो IoT हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो ATM का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो AC का सॉफ्टवेयर हो जो IoT में आ जाता है, माइक्रो कंट्रोलर को भी प्रोग्राम किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो जितनी भी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है ना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में, वो सब जावास्क्रिप्ट से हो सकती हैं, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, जावास्क्रिप्ट के क्योंकि पहले ही बहुत सारे डेवलपर मौजूद थे, फिर वेब टेक्नोलॉजीज़ को इतनी ज़्यादा तरक्की मिली कि वेब टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। हर बंदे के हाथ में फ़ोन है और फ़ोन के अंदर कम से कम 200 ऐप्स होती हैं ऑन एवरेज एक बंदे के फ़ोन में, ठीक है, वो 200 की 200 ऐप्स जावास्क्रिप्ट में बन सकती हैं। इंस्टाग्राम कुछ अरसे पहले तक वो हाइब्रिड ऐप जावास्क्रिप्ट में बनी हुई थी उसकी। फेसबुक भी कुछ अरसे पहले तक जो उसकी मोबाइल ऐप थी वो जावास्क्रिप्ट में बनी हुई थी। अब उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया, कुछ मसले मसाइल उनको फेस करना पड़ रहे थे, वो डेटा नहीं चोरी कर पा रहे थे, तो उन्होंने इसलिए नेटिव कर दिया कि वो थोड़ा नेटिवली चीज़ों को एक्सेस करें, GPS VPS एक्सेस करें, आपका डेटा चोरी कर सकें, तो इसलिए वो नेटिव पे चले गए। तो अभी भी बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई हैं आपके फ़ोन में, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता, वो इतनी फास्ट चलती है, इतनी अच्छे से चलती है, आपको कभी फील नहीं होता कि ये किस चीज़ पे बनी हुई है बैकग्राउंड में। तो जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो सारी जावास्क्रिप्ट में हो रही हैं इस पर। अच्छा, अभी हम 2022 में बैठे हुए हैं, इस वक्त जो Node.js है वो स्टेबल हो चुकी है। आज से 3-4 साल पहले तक वो थोड़ी फिर भी एक्सपेरिमेंटल थी, अभी वो स्टेबल हो चुकी है बिल्कुल। उसके अलावा हमारे पास फ्रंट एंड के ऐसे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं जो बहुत स्टेबल हैं, डिपेंडेबल है वो, जैसे रिएक्ट जो हम यहाँ पढ़ेंगे भी। Node.js के जो सर्वर हैं वो बहुत रिलायबल हो चुके हैं, ठीक है। आज से शायद 5-6 साल या 8 साल पहले तक लोग जावा को बहुत रिलायबल समझते थे सर्वर्स के मामले में, C# को और C++ को बहुत रिलायबल समझते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी अब उसी लेवल पर पहुँचती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो जावास्क्रिप्ट का जो डेवलपर है ना, उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसको। अगर आपको किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है प्रोग्रामिंग के अंदर, आप अगर आईफोन के ऐप डेवलपर हैं, आप अगर डेस्कटॉप के ऐप डेवलपर हैं, कोई ना कोई पॉइंट आपके करियर में ऐसा ज़रूर आता है कि आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे सामने जावास्क्रिप्ट सीखी है, हालांकि वो वेब डेवलपर नहीं है, वो कोई मशीन लर्निंग वाला है, कोई IoT वाला है, कोई
आईफोन की ऐप्स बनाते हैं, आईफोन की ऐप स्विफ्ट एक लैंग्वेज है उस पर बनती है, उनकी अपनी है वो स्विफ्ट करके है, उनको भी अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ी क्योंकि सर्वर जावास्क्रिप्ट में हो गए सारे, जो फायरबेस फंक्शंस और AWS के लैम्डा फंक्शंस और आपके नॉट जेएस जो गूगल क्लाउड कंप्यूट में जो चीज़ें हम डिप्लॉय करते हैं वो सब जावास्क्रिप्ट में। तो भाई मोबाइल ऐप के साथ सर्वर तो बनेगा ही, तो जावास्क्रिप्ट उनको अल्टीमेटली सीखनी पड़ी। तो जावास्क्रिप्ट, ये बताने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद ये है कि जावास्क्रिप्ट में आपको बहुत मेहनत करनी है, अपनी पूरी जान लगानी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर आप कंप्यूटर साइंस में किसी भी फील्ड में जाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट आपको बख्शेगा नहीं, जावास्क्रिप्ट आपकी जान नहीं छोड़ेगा। आप इवन अगर नेटवर्किंग में भी जाते हैं ना जावास्क्रिप्ट वहाँ भी पीछे पीछे आपके पहुँच जाएगा, अगर आप IoT में जाते हैं ना जावास्क्रिप्ट आपके पीछे पीछे वहाँ भी पहुँचेगा। आप अगर मशीन लर्निंग में हैं जो टेंसर फ्लो पे और पाइथन पे लोग समझते हैं कि होती है, वो उसमें भी टेंसर फ्लो .js आ चुकी है, तो जावास्क्रिप्ट वहाँ भी पीछे पीछे आपके पहुँचेगा। जावास्क्रिप्ट हर फील्ड में आपका पीछा करते रहता है, तो जावास्क्रिप्ट में आपने बहुत मेहनत करनी है। और घर का टास्क आपको बता चुका हूँ, 3 चैप्टर पढ़ने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।